ओके ऑलराइट ओके सो हमने अभी मैं इसका रिकैप नहीं दूंगी बिकॉज कल का ही लाइव है और यू नो व्हाट हैपन लाइक चाइना की खूब सारी बजाई चाइना के गई है बेसिकली क्राई बेबी को मिला है एलिट uh, क्लब का फर्स्ट uh, वो वट सो ही द फर्स्ट लाइक मेंबरशिप एंड तो वो होता है बेसिकली एंड uh, थोड़ा अभी सिद्धार्थ भी थोड़ा एक जोन में चला गया है अभी उसी का हम यू नो कंटिन्यू करते हैं एंड uh, 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 वो जिस तरह से बोलकर जाती है और और ये वो और कल हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी बट द शॉर्ट इज दैट इज वर्ड कि क्या मैं क्या मेरी वजह से शहनाज या हमारा रिलेशनशिप ऐसे uh, कुछ अलग दिख रहा है या Uh, <coughs> या कुछ ऐसे नेगेटिव uh, हो रहा है शहनाज के लिए बिकॉज uh, वो जैसे बोलती है कि मैं अपने आप को भूल चुकी हूं अभी अः uh, तो ही दैट वाज अंटिल नाउ जो भी लोग कह रहे थे ही वॉज सो इफेक्टेड बट नाउ सारी चीजें मिलाकर जैसे यू नो जेलेसी टास्क हो गया और ये हो गया फिर उसका खुद का मारना वो जो ब्रेक डाउन हो गया वो हो गया सो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फिर उसके उनके रिलेशनशिप पे दो वीकेंड के वार से चल रहा है तो इट वाज़ ऑल अ ही वाज इंट्रोस्पेक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिंग डूंगो की वेर आई वट बिकॉज यू हैव टू पुट दिस

सेम थिंग विनाज एंड वी नो इनके एज डिफरें एक्सपीरियंसिस जितना हमने सर्फिस लेवल पे दिखा है वो एक चीज है लेकिन उनके खुद के एक्सपीरियंसिस रिलेशनशिप्स को लेकर वो उनका है वी डोंट नो दैट वी कैन जस्ट ठीक है एक दो चीजें हम देख कर हम जोड़ सकते हैं बट वहां पर हमको जाना भी नहीं है उस उतना डीप बिकॉज वो उनका एक पर्सनल स्पेस है एंड ही वॉज इन इज वेरी पर्सनल स्पेस एंड इट्स लाइक like, uh, जब ये बातें हम देखते हैं of course, अभी उनको कोई चारा नहीं था अगर अगर सिद्धार्थ को होता ऑप्शन तो वो पता नहीं वो शायद ये बाते करता, because ये बातें करता। बहुत बहुत ही प्राइवेट बातें हैं। तो आई विल ट्राई टू एक uh, एक दायरा मेंटेन रखने की बिकॉज ये इनका बहुत पर्सनल रिलेशन बहुत पर्सनल कॉन्वर्जेशन लगती है मेरे को जो इनका यू नो बेड पे कॉन्वर्जेशन होता है सो आई ट्राई टू मेंटेन माय सॉर्ट ऑफ आई ड्रॉ द लाइन बिकॉज आई 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 डोंट वांट टू गो देयर ये मुझे बस जस्ट फील ब्लेस्ड कि वो देखने मिला बट ऐसी चीजें नॉर्मली हम हमारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का भी नहीं सुनते हैं ऐसी चीजें सो एंड दिस इज ऑल रियली कोई फेक

ये होता है ये जो कांटा के साथ लाइक टॉयलेट एरिया में जाकर आते हैं वापस इसके ऊपर एक ही चीज मैं बोलूंगी कल का हमारा बोलने का जो था और हम वैसे भी हमारा रिकॉर्डिंग <coughs> का अप्रोच ऐसे होता है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेयर्स यू नो बिनीथ एंड बट वी आर नॉट हियर टू से वो गलत था वो सही था उसको जाना चाहिए उसको नहीं जाना चाहिए ये मैं नहीं मैं कोई नहीं होती हूँ बोलने के लिए आपको नहीं अच्छा लगता है कोई चक्कर नहीं एंड उनको भी फर्क नहीं पड़ता है कई चीजें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं बाद में यू रियलाइज फ्लो फ्लो में बहुत हो गया <coughs> जैसे मैं भी बोलती हूँ कि लाइफ में यार फ्लो फ्लो में बहुत बोल दिया शायद नहीं बोलना चाहिए था सबको होता है ये तो देर ऑल्सो द सेम वे सब कुछ कैलकुलेटेड नहीं होता है सिर्फ गेम के मूव कैलकुलेटेड हो सकते हैं जो वही जो चीजें हम सम, समझने की कोशिश कर रहे हैं बट कई कई फ्लो में चीजें होती हैं बिकॉज यार 24 घंटे रहते हैं 24 घंटे ये लोग तो कैलकुलेट नहीं करते थे वी नो अगर सिद्धार्थ और शहनाज अगर कोई उस था उस घर में था जो नेचुरल था वो तो ये दोनों ही थे तो कभी फ्लो में हो गया तो हो गया आई I मीन mean, uh, उन्होंने भी अपना रेट्रोस्पेक्ट किया होगा कि कहाँ तक अरे अभी थोड़ा ओवर हो गया या अभी नहीं हो गया वो होगा ऐसी होंगी एंड इट इज वेरी इजी फॉर अस टू जज देर जज भी इवन कॉलिंग दम राइट और रोंग हुट क्या चल रहे थे उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी वो हमें नहीं पता और हम वो डिसाइड भी नहीं कर सकते कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है बट वी ट्राई टू जस्टिफाई कि कोई उसमें सही नहीं था कोई उसमें गलत भी नहीं था या सो ओके चलो उसके आगे स्टार्ट करते हैं दे बोथ सो uh, सो so, so, सिद्धार्थ लेटा हुआ है hmm. अपने बेड पे साइडेज और शहनाज उसके सामने लाइक like, बैठी हुई है एंड शी इज रेस्टिंग टू हिस्स टू हिस्स मतलब उसके सामने बैठी है

इससे पहले भी इनके बातें हो चुकी हुँ, हैं। मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ जो भी हमको भी क्लिप्स दिखाते थे वो शायद थोड़ा 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 काट के काट के दिखाते थे अः वो ठीक है क्या कर सकते हैं? जो मिला उसी में खुश रहो अः <laughs> So, फिर वो से करता है ओके सो आईन से इनका सीन्स जो होते हैं इनके जो मोमेंट होते हैं मैं फॉरवर्ड लिखती हूँ हु, बाकी तो यू नो बिकॉज दैट इज अ फैक्ट यू गोट ओनली थर्टीन पीपल एंड Only right now, only ten people, so you don't have options. Once you go out, you will have a lot of options. There are one and a half crore people, then you can have more. Um so uh, wo hai ki, I am with you till essay though uh he's he's again continuing. Wo hai ki, options might have Karthik and waiting for you. So hasty slightly, and she says, <laughs> But if you are waiting for me, I will not go anywhere. so is it now <laughs> she says yeah is it now i'm like why are you so cute yaar yeah, <laughs> this is so cute so wo kehta hai what if what if gautam gulati comes tomorrow uh, she says it's okay i don't care once i want listen something from your side yahan pe झमुरी मैडम पीछे से आती हुई नजर आती है मैंने कहा इसको कहां से निकल के आता है उसको आकाशवाणी कहाँ से आती है आ गई मैडम जी वहां पर ये हुआ था सवा नौ बजे ओके okay, तो तो फिर फिर यू नो सिद्धार्थ कुछ बोलता है माय साइड ऐसे बिकॉज शी आई वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम योर साइड शी इज लिटरली ट्रांसलेटिंग है ना सो यूट नो व्हाट शी कि यू नो तेरी तरफ से बोलना फ्रॉम योर साइड तो ही सेज माई साइड

और शहनाज hmm. के वजह से ही वो वापस लाइमलाइट में भी आया yeah. मुझे लगता है ना कि शहनाज के वजह से ही सलमान खान के भी दिमाग में आया उसको कास्ट करने का अदरवाइज पीपल हैव फॉरगॉटन हिम मतलब हाँ. भूल गए थे कि वो विनर था बिकॉज कहीं पे उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था इन बिटवीन हम्म हम्म सो नहीं गुलाटी वाज एक्चुअली हार्मलेस टू मी बट वॉट एवर नॉट एट ऑल कुछ भी कुछ उसका कोई लेना लेना ही नहीं था हाँ, कुछ भी अनाज उसकी एक फैन थी और वो मिल ली उसके साथ बस दैट्स इट ये बहुत मतलब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया इट वाज फालतूगिरी की है चैनल ने बहुत फालतूगिरी की है ओके okay. राइट right. um, तो शहना देन आई डोंट केयर एनी एनी

आई एम वे टू ओल्ड फॉर यू बेबी तो क्या बोला तो वो फिर से रिपीट करता है आई एम वे टू ओल्ड फॉर यू शी इज लाइक मतलब बड़ा हूं मैं तेरे से ओ माई गॉड मै क्या रू ही सो यू कैन इमेजिन दिस इज जस्ट क्रैचिंग दर्फेस उसको जब अब्यूज होता है ना उसको जो एज शेमिंग की गई है इट स्टेज कहीं तो स्टिक होता है हुआ होगा ऐसे लगता है uh, I'm not saying, but मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलती हूं, अगर कोई आपको uh, किसी चीज को लेकर शेमिंग करता है वो चीजें नहीं जाती हैं। दे डू नॉट लीव योर माइंड कहीं छुपी भी होती हैं किसी दिमाग के किसी यू you नो know, कोने में एंड जब ऐसा कुछ आता है सिचुएशन तब इट कम्स टू द तो ये जो एज को लेकर लास्ट ईयर इवन बर्थडे के दिन भी उसने सबको टैग करके बोला था बिकॉज वो चीज चल रही थी उसके दिमाग में एज को लेकर राइट hmm. right. तो, uh, तो शहनाज तो मैंने कौन सा बोला है प्यार करने को ऐसे बोलती है <laughs> <laughs> तो तो he's like तो I love you I love you क्या होता है तो फिर वो ऐसे she she rests her back completely leans on him um, and uh, and she says oh god कितना गंदा है तू uh, तू कहीं और क्यों लेकर जा रहा है तो she says मैं मैं नहीं जा रहा मैं मैं यहीं पे बैठा हूँ मेरे वैसे तेरे साथ है तो वैसे कैसे तो लाइक फिर ठीक है आ, एक फैमिली है तू मेरी <coughs> तो ओह दिस इज आल्सो ओके आई एम मूविंग ऑन क्विक बिकॉज मेरे नहीं हो रहा है हैंडल नहीं हो रहा है तो ही सेस फैमिली मतलब भाई तो शी इज लाइक सब कुछ ही है तू मैं चाहती हूँ कि तू मुझे मेरी केयर करे तो तो मैं करता हूँ ना सो so, so she says uh, मैं मैं expect करती हूँ तेरे से बहुत कुछ और लाइफ में और मैं लाइफ में आगे भी करूंगी uh, जरूरी नहीं है कि यही चीजों में रह के वो वो रिलेशनशिप निभाना होता है और भी बहुत कुछ होता है इज लाइक like, uh, जैसे कि जैसे कि एक दूसरे के प्रति वैसे ही बंदा लॉयल हो सकता है so, थोड़ा सोच रहा है वो कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है, says, as, as है नहीं अ अ फ्रेंड फ्रेंड ना है वाला रिलेशनशिप भी तेरे साथ तो क्या है ऐसा बॉयफ्रेंड वाला भी रिलेशनशिप नहीं है पता नहीं कुछ है और वो यू you नो know, सिद्धार्थ की तरफ देखती है अभी ओके okay? uh, पता नहीं तो वहां पे सीन कट होता है ओके okay. ये और यहाँ पे काफी हद तक वो एक्सप्लेन करती है कि एक्सप्लेन नहीं बोल सकती हूँ वो उसको बोल देती है जो चीज सिद्धार्थ को भी पता है कि जैसे सिद्धार्थ बोलता है ना कि बहुत ऑप्शंस मिलेंगे तुमको बाहर जाकर एंड ऑल तो यहाँ पे वो क्लियरली बोल देती है कि मेरी दुनिया ही तू है अब बोल क्या है करके तो वो लाइक like, एक तरीके का सरेंडर होता है ना आगे बोले सो अः so, uh, उस सिद्धार्थ के जो uh,

मैन मेड नेचर राइट सॉरी द मैन मेड वॉर्म्स सो बट जो शहनाज का थॉट प्रोसेस है ये थोड़ा एक एलिवेटेड लेवल पे है वो आई फील एंड आई डोंट थिंक हम भी सोचने जाए ना हम भी वही पे उसी उन्ही यू नो दायरों के अंदर रह के ही हम सोचते हैं Uh, uh, कि अरे ये उसका हस्बैंड वाइफ है अरे इसका ये है अरे उसका वो है आई थिंक वॉट शहनाज वॉज ट्राइंग टू से तेरा मेरा ये कोई रिलेशनशिप के का का मोहताज नहीं है हमारा रिलेशनशिप वी आर नॉट बाउंड बाय सम ऑफ ए

जैसे हम हम अब हमारा भी रिश्ता yeah. है हम सोसाइटी के दायरे में बन के हमारे रिश्ते को एक क्या बोलते हैं कि नाम देते उनका वो नहीं था दैट्स व्हाट वाज ट्राइंग टू से कि हम अब ऐसे भी अपने एक दूसरे के प्रति लॉयल रह सकते हैं एंड वो आई डोंट नो उसमें वो होता है ना इट्स लाइक like... गट फील जो हम गट फील बोलते हैं कभी कभी होता है कि यू हैव ऑल फ्रंट ऑफ यू एंड आपको कुछ यू नो डिसीजन लेना है इंस्टिंग एंड वील गो विद इंस्टिंग दीज इंस्टिंग योर सोल आई फील फ्रॉ एम सींग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसिस सो ये जो उस शायद उसको भी नहीं पता था कि वो ऐसी बातें कह जाती हैं और हम लोग अगर उसको देखे यू नो यू स्टेप आउट ऑफ इट एंड यू लुक एट इट इट्स लाइक ओके दिस इज व्हाट वाज अनफोल्डिंग हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था ये हम रिश्तों में रह के ये ऊपर ये नीचे मैं ये मैं वो देर इज नो मै इन दिस राइट वो ईगो mm, जो होता है मैं तेरी गर्लफ्रेंड तू मेरा it's not like that. <coughs> And, like, ये 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 क्या रिलेशनशिप्स है ये क्या है ये मेरे को इसमें नहीं रहना है बिकॉज um, जब, जब सलमान खान भी पूछ रहा है उसको कि क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉर्ण हो ये हो वो हो मे बी शी डजेंट नो दे आर सोल मेट्स मे बी शी ड नो बट उसको एक यू एक, नो you know, गट है उसको कुछ है अंदर से कि कुछ कह रहा है कि हम कनेक्टेड है सो दिस इज दिस इज मैंट टू बी मैं तो तेरे साथी हूँ ऐसे फॉर हर इट वॉज क्वाइट प्रैग्मेटिक इट वॉज दिस इज हाउ इट इज बट आई एम नॉट गोइंग टू वे दिस रिलेशनशिप ऑन ऑल दीज वे दिज बॉन्ड ऑन दिस मैन मेड रिलेशनशिप्स हमारा बहुत uh, उसके ऊपर है एंड आई डोंट नो इफ शी दैट इफ दे रियलाइज्ड इट एट दैट टाइम बट हमको यहाँ पे अभी बैठ के जब हम पूरा रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं यू you नो know, uh, ऐसे लगता है कि ये किसी लेबल के मोहताज नहीं है तो जब लोग पूछते हैं न <coughs> कि इसने बोला क्यों नहीं ये मेरे साथ है सिद्धार्थ ने क्यों नहीं बोला इसीलिए उसको इतना यू you नो know, ट्विटर पे हेट मिल रहा है उसने शो पे क्यों नहीं बोला ये बिकॉज वी आर लिमिटेड बाय आर वॉट वी नो पीपल आर लिमिटेड बाय देयर थिंकिंग ओके एज गैप बहुत है एज गैप बहुत है ओके सो इट्स इट्स एन एक्सट्रीमली जजमेंटल सोसाइटी ओवरऑल यूनिवर्सली Uh, लोग छुप छुपा के मिल, मिलते हैं या छुप छुपा के करते हैं या चीजें अपनी सामने नहीं रखते हैं शहनाज you know, उसी सोसाइटी में, में रहते हैं रह, रहते हैं दोनों तो उनको ये चीजों का ख्याल रखना पड़ता है बट ये बंदी बोल रही है फियरलेसली एंड ही हमको इसी सोसाइटी में बाहर जाना है घर के बाद एंड ये लोग ही हमको जज करेंगे वापस तो यू कैन नॉट इग्नोर बट आई थिंक दैट इज वाई इनका जो बातें हो रही थी uh, आपस में आई थिंक वो एक बहुत पर्सनल बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट मोमेंट है था एंड बट इट जस्ट गोज टू शो दैट ये एक सीख थी सब जो लोग सीख पाए हैं

क्योंकि उन दोनों को खुद को पता है कि उनका क्या रिश्ता है दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते थे दोनों एक दूसरे से केयर करते थे एंड दोनों उस रिश्ते को नाम में जोड़ बदलना नहीं चाहते थे लाइक like, उनको एक नेम नहीं देना था अदरवाइज दे वे टोटली टोटली कनेक्टेड टू इच अदर वो हमने फर्स्ट वीक के फर्स्ट पढ़ाव से देखा है कि कैसे शहनाज का एक बार उठना इसको बुखार आ जाता है कैसे सिद्धार्थ का सीक्रेट रूम में जाता है तो शहनाज को बुखार आ जाता है तो वो दोनों कनेक्टेड बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उस सिचुएशन में इसीलिए अब सितंबर सेकंड के बाद भी जितना भी शहनाज ने बात करी है सिद्धार्थ के बारे में उससे पहले भी वो वो जैनस वाले शो में भी उसने बोला है हमारा एक यू नो प्योर प्योर लव था उसके तरफ से भी मेरे तरफ से भी अः एंड बिकॉज उसने कभी वो नाम देने की जरूरत महसूस नहीं हुई दोनों को और होना भी नहीं चाहिए Uh, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ होना भी नहीं चाहिए बट uh, और मेरे को इसको व्हेन आई लुक एट देम इट्स पता नहीं लाइक वी आर सो बाउंड बाय व्हाट वी नो वी कॉन्ट हेल्प आर सेल्फ की um, you know, सात जन्मों का रिश्ता है इनका ये है इनका वो है लाइक आई डोंट इवन feel like I'm worthy to talk about their relationship, itna now lagta time ago because they are bada nahi this is something beyond our comprehension uh, of course yana pe... every day nahi once in a years and years once in a lifetime देखते. mere liye to.

फाइव मिलियन फॉलोअर्स है सिद्धार्थ के सारे इस तरह से कनेक्ट uh, you know, करते हैं नहीं uh, थोड़े लोग करते हैं सो so, uh, तो उनके उनके लिए I feel like, कुछ कुछ तो बॉन्ड होगा कुछ तो होगा एंड इट्स जस्ट ठीक है लेट्स लीव इट लाइक दैट जो है वो है जो अगर बॉन्ड लग रहा है वो फीलिंग्स आ रही हैं तो उस फीलिंग्स का मैं तो सिर्फ यू नो ग्रेटिट्यूड मानती हूँ कि आई फील एंड आई एम एबल टू कनेक्ट जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है एंड दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर मिसिंग सो इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग इट्स लाइक फिर उस चीज का वो नहीं होता है कि वट uh, ठीक है बट द पॉइंट इज उनका ha at a very human level at a very you know materialistic level uh, when you look at it it's like ha he, he, he you know september second tha, tha, because that's our reality that's all we know correct and absolutely and that's how we will react but if you look at it from a soul level right when you look at it from एक एक लाइफ टाइम क्या है एक लाइफ uh, कितने कितने बार सोल ट्रैवल करता है कितने लाइफ टाइम्स लेता है वी डोंट नो आई डोंट नो ऑल दैट बट आई एम सेइंग व्हेन यू टेक दैट दिस दिस लाइफ टाइम इज जस्ट अ स्पेक और अगर ये सोलमेट्स हैं वो हर एक लाइफ टाइम में ऐसे ही यू you नो know, मिलते रहेंगे अलग-अलग 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 वेज में सो so, बस वो उसको मन बहलाना कह दो कुछ भी कह दो बिकॉज़ uh, इन चीजों की नॉलेज तो मुझ में नहीं है बट अगर इनका जैसे शहनाज भी मानती है थ्रू हर स्पिरिचुअलिटी कि उसकी हैप्पी एंडिंग होनी है और होगी एक दिन शायद अभी नहीं बट होगी आगे जाके होगी सो so, अगर वो उस ऑप्टिमिज्म में है और वो लुक फॉरवर्ड कर रही है अपने सोलमेट से मिलने की तो हमारा काम है बस उसी की तरह हम भी इंतजार करेंगे और बस मैं तो ये दुआ मांगती हूँ कि मैं ये बॉन्ड देखू Uh, अगले जन्म में भी एंड आई फील लाइक मुझे कभी कभी ऐसे ही लगता है कि शायद you know, पिछले पिछले जन्म या दो तीन you know, जन्मों के पहले ऐसे कुछ हुआ होगा और हमने तब ऐसे बोला होगा कि इनका होगा ये ये लोग ना यू नो मिलेंगे ये लोग मिलेंगे और शायद यही था वो मिलना यू नो यही था मिलना और हम वो एक्चुअली विटनेस कर रहे हैं तो आगे जाके जस्ट आई फील लाइक आई टू

होते होते रह गया बट अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे मिले हैं यू नो बिग बॉस में मिले हैं तो हमने वो यूनियन देखा शायद आगे जाके उनका नेक्स्ट फेज देखेंगे इनका वन एंड डन नहीं है इनका मतलब ये, it's, it's a cyclical thing for them. इनको तो मिलना ही है जब देखती हूँ ना ऐसा लगता है कि हाँ हाउ कैन दे प्लीज मैं अपनी दिल की बात कह रही हूँ अगर किसी को ऑफेंसिव लग रहा है तो प्लीज आई अपॉलोजाइज अहेड ऑफ टाइम मैं अपनी दिल की बात कह रही हूँ सो फ्लो में बोल रही हूँ सो आई एम सॉरी आई हर्ट समीज फीलिंग्स

You you know, know, and and they they have, and this is the way they want to to, send a message world मुझे नहीं पता बट uh, मुझे ऐसे लगता है कि ये uh, see, अभी मैं हिंदू रिलीजन से हूं तो मुझे वो वाले references ही दूंगी है ना uh, किसी और रिलीजन में कुछ और होगा आई डोंट नो बट मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ वैसे ही कह रही हूँ यू डोंट नो कौन है हमको बस यू you नो know, सिद्धार्थ शुक्ला पता है शहनाज गिल पता है राइट right? बट उनके अंदर किसके सोल्स है क्या हु नोज वट हैव बिन इन द पास्ट यू नो वॉट सो वी आर गोपिया पता नहीं बट रिसेंटली मेरी और मेरी मम्मी की कॉन्वर्सेशन थी जब जब मतलब मैं एकदम डाउन थी सिद्धार्थ के डेथ के बाद भी तो एक दिन मेरे मम्मी ने मुझे बताया था ये चीज कि देखो बिकॉज शी वॉज सीबडी अराउंड कि कितना लोग अफेक्ट हो रहे थे एंड शी टोल्ड मी वन थिंग कि शिव और शक्ति को भी अपना प्यार पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी बहुत वेट करना पड़ा तब शिव और पार्वती हुए तो कहीं ये इनकी तपस्या है ये मिलेंगे आगे चल के लेकिन अब इनकी ये तपस्या है कि इनको मिलना था बिछड़ना था और फिर आगे मिलेंगे तो हो वे, हम कोई सोच सकते हैं कि होगा या yeah. या um, um, yeah, जैसे यू नो स्पिरिचुअलिटी में लाइक लाइक यू नो ब्रह्म कुमारी है कि अगर वैसे भी नॉट जस्ट इन ब्रह्म कुमारी बट वैसे भी कि आ, अगर आपका सोल का कनेक्शन है बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है ना कि कभी कहीं पे अनएक्सपेक्टेडली नुकसान हो जाता है या अनएक्सपेक्टेडली फायदा हो जाता है तो हम ऐसे यू you नो know, बोलते हैं यार कुछ ना यू नो you know, पिछले जन्म का कुछ रह गया होगा लाइक like, मेरा यू you नो know, कर्ज रह गया होगा अभी मैं उसको लाइक like, फेर रही हूँ या मेरा किसी का लाइक like, बाकी था तो तो ना मेरा लाइक फायदा हो गया ऐसे हम जैसे बोलते हैं वेर दैट दैट यू नो सिचुएशन हैपेंस एंड देन इट्स गॉन उसका कोई हिस्ट्री नहीं है उसका कोई वो नहीं है आगे पीछे कुछ नहीं होता है सो आई फील लाइक दैट दैट व्हेन दोज थिंग्स हैपन दोज थिंग्स आर लाइक दे आर दे आर यू नो कनेक्टिंग यू टू सम प्रीवियस बर्थ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग यूजली तो Uh, इनका भी ऐसे ही लगता है कि कहा से आए ये दोनों और हुआ क्या लाइक like, क्या साला लाइक वी वर ऑल यू नो ट्रांसपोर्टेड बैक टू आवर सोल लाइफ राइट एंड वी आर देर एंड वी आर लाइक ओके हमको मतलब मतलब चेरी पिक करके हर जगह से देखो अभी हम यहां पर Uh, यहां पर इतने सारे लोग हैं ठीक है, है? Uh, कितने सारे लोग लाइफ पे आते हैं लुक फॉरवर्ड करते हैं एंड यू आर इन दैट स्पेस, इट्स लाइक यू हैव बीन, यू नो ट्रांसपोर्टेड मैजिकल फुल ऑफ लव इट्स लाइक यूर यू आर इन दिस गार्डन ऑफ प्योर अ गुड टाइम एंड एंड ओके अप फिर आप हम सब हमारे लाइव में जाते हैं ऐसा नहीं कि हमारी लाइव में बहुत सारे यू नो डिफिकल्टीज हैं या हम बहुत स्ट्रेस में हैं बट वैसे भी मैं कह रही हूँ हम इस इस जोन में आते हैं इट्स लाइक यू जस्ट कल आधे घंटे का एपिसोड चालीस मिनट का एपिसोड हमने साढ़े चार घंटे लगाए काफी उन्हें बोला भी लाइक like, पता भी नहीं चला कहाँ निकल गए दिन राइट टाइम कहाँ निकल गया uh, 106 एपिसोड्स हो गए हमारे पता नहीं कितने घंटों का यूट्यूब लाइव हुआ है इनकी बातें करके बट यू आर सिंपली ट्रांसपोर्टेड टू दैट स्पेस क्यों हो रहा है ये ना इसका ना सर ना पैर ना कुछ ना कुछ कहां से आए हैं सब अपने अपने दुनिया में यू नो बिजी थे सारी दुनिया की लाइफ की लाइक like, प्लानिंग चल रही है किसी के बच्चे किसी की शादी किसी का कुछ किसी का कुछ किसी की जॉब किसी का एजुकेशन किसी का कुछ बट हम हम लोग अभी प्राची है हीना है अमन है मैं हूँ स्नेहा है मानसी है हरदीप जी हैं सुखदेव जी हैं ये सारे सैल है आई मीन आई एम जस्ट नेमिंग द फ्यू दैट आई टॉक टॉक टू क्वाइट रेगुलरली एवरीबडी क्यों वाई ओनली दीस पीपल वाई ओनली दीज पीपल एंड एंड नॉट माई डोर नेबर अभी मेरे नेबरहुड में काफी सारे देसीज हैं कोई भी कनेक्टेड नहीं है सिद्धार्थ शहनाज के साथ एवरीबडी मोस्ट पीपल वॉच यू नो बिग बॉस हो गया हाँ अच्छा हाँ हो गया हो गया सीजन हो गया हो गया डन बट यहाँ पर क्यों यहाँ पर ही क्यों आ गई रुचि आ गई हमारी मॉडरेटर भी आ गई हेलो जी हम बस पांच मिनट का सीन ही दो दो घंटे लगाएंगे अभी आगे बढ़ेंगे बट इनकी बातें करके भी मुझे लगता है ना इट्स लाइक नो इट्स ओके यू नो प्लीज डोंट बी सॉरी बट ये जो हम सबको भी चूज किया है आई फील देर इज अ रीजन बिहाइंड इट आई फील देर इज देर इज अ देर इज अ रीजन हमको ये सारी बातें सुननी है देर इज अ रीजन आई डों सबका अलग अलग रीजन होता है राइट right? सबका हम अलग तरीके से यू नो कनेक्ट करते हैं इनसे बट थीम एक ही है अच्छा लगता है अच्छा लगता है राइट सिंपल वर्ड्स में अच्छा लगता है तो हम आते हैं और बार बार आते हैं ये बातें करने बातें सुनने के लिए कभी बोर नहीं होता है कभी नहीं होता है राइट right?

सिद्धार्थ शहनास का ऐसा पता नहीं कहाँ से लाइक यू नो टपके हैं हमारे में, और बस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और हम भी जाने का नाम नहीं लेंगे बिकॉज़ दिस इज टू टू बी बी दिस 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 इज 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 आई फील वी आर कैरिंग दिस ऑल्सो और इनका ये बॉन्ड इनका ये यूनियन री शायद देखना हमारे हमारे यू you नो know, डेस्टिन डेस्टिनी में था जैसे लिखा हुआ है लिखा हुआ है राइट तो uh, तो शायद ये भी लिखा हुआ था uh, और उन, उनको देखना उनका रियूनियन देखना उनके बॉन्ड को समझना आई फील लाइक इट्स लाइक वर्शिप इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन यू नो इट्स लाइक वी आर वाचिंग दिस अनफोल्ड एंड वी आर एब्सुलटली एम्ब्रेसिंग इट देर ओनली फ्यू पीपल हु जो इस बॉन्ड की रिस्पेक्ट करते हैं Uh, so, so, ये uh, uh, जो लोग इनके इनके रिलेशनशिप्स को नाम रख रहे हैं ठीक है रखने दो बिकॉज उनकी वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है वो लोग इस तरह से शायद यू नो कनेक्टेड नहीं है वो लोग इसी इसी लाइफ में uh, इनको देख रहे हैं और उनके अपने सोच के हिसाब से वो उनको जज कर रहे हैं ठीक है करने दो Uh, इसीलिए वो लाइक like नेगेटिव दिखते हैं हमको बिकॉज दे like, इतना इनका प्योर बॉन्ड है तुम लोग कैसे नहीं देख पाते हो ऐसे होता है हमारा राइट right? रिएक्शन जब हम यू नो सिडनास को देखते हैं बट uh, उनका जो उनका जो थॉट प्रोसेस है उनके जो दायरे हैं वो उनमें रहकर वो लोग कर रहे हैं ठीक है ठीक है करने दो इट्स फाइन बट वॉट वी

मे बी उसको वो पूरा कम्युनिकेट करना तब नहीं था नाउंग वो, वो है हाउ डू यू कम्युनिकेट उसके दिल अभी यहाँ बोलती है पता नहीं कुछ है पता नहीं कुछ है हमारी अटैचमेंट है लाइक like, पता नहीं क्या है बिकॉज दोज आर द वर्ड शी इज यूज टू बट उसकी जो फीलिंग है वो फीलिंग अभी भी वैसे ही है तो वो फीलिंग कहाँ से चेंज नहीं होगी बिकॉज शी इज बिन कैरिंग दैट फीलिंग ओवर हर सोल जर्नी आई थिंक मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मुझे किसी ने बोल दिया बस ऐसी है बट <laughs> <laughs> मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्गली लगता you, है हाँ यू नेवर नो 30 इयर्स के बाद कहीं एयरपोर्ट पे टकरा जाए <laughs> जैसे उन ने बोला था एक अंत में कि चलो हम थर्टी इयर्स के बाद हाँ <laughs> तब तो ऐसे पहचानेगा कि ये शहनाज गिल है वो तब फेमस हो गई होगी सो एग्जैक्टली चलो आगे बढ़ते हैं यार वरना हाँ. मेरा तो सो बॉक्स खत्म नहीं होगा बट दे आई मीन इट्स इट्स अ इट्स अ जॉय टॉकिंग अबाउट देम इट्स एन एब्सोल्यूट जॉय लाइक मैं तो कभी थकूंगी नहीं ये बात करके बट ओके okay. तो ये था सीन 915 का मोमेंट सॉरी अभी आ, आगे बढ़ते टेन ओ क्लॉक का यहाँ पर आ, ये वाले इसमें ना बहुत 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 सारे हैं हम लोग हाँ. का भी बात करेंगे एक दिन आ, एक दिन नहीं, इसी मतलब ये वाले इस इसी, का अभी बात कर लेंगे हाँ यहाँ पर शीज इन हर नाइन फिफ्टीन का जो सीन है Uh, no, uh, वो, वो नी हुई थी उसमें थी राइट right? जहां पे वो यू you नो know, बैठी हुई होती है बेड पे <coughs> तो uh, फिर उसके बाद वो वो जब दस बजे आती है शी इज चेंज्ड uh, इन टू इन टू हर नाइट नाइट ड्रेस बट उसके बीच में दो दो तीन अनसीन तीन है एक लाइक डेस्टिनी वाला भी सीन है वो डेस्टिनी वाला मेरे इस पे है लाइक मेरे DVR पे है आ, तो बिकॉज यहाँ पे एयर हुआ था और वो भी लाइक वो भी एयर हुआ था यहाँ पर वो जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है आ, वो यहाँ पे एयर हुआ था बिकॉज इंडिया में जब यू uh, नो you know, कुरकुरे का टास्क दिखाया था यहाँ पे कुरकुरे का नहीं दिखाया था बिकॉज ऑफ समिप क्रैप सो देोड तो अगर चाहे तो मैं वो दिखा सकती हूँ एंड में uh, अगर फिर अमन वो वाला पार्ट कट कर देगा यूट्यूब पे डालने से पहले <coughs> तो एक दो अनफिनेटली बात करेंगे एक है uh, वो उसके uh, बाज के बारे में बात करते हैं वो यहां पर तो लाइक like, बैठी हुई होती है फिर जाके यू नो बेड पे लेट जाती है इन दैट सेम ड्रेस हाँ और इससे पहले एक्चुअली बिफोर दिस बिफोर ऑल दिस देर इज वन मोर अनसीन सीन आई वांट टू शो आई वांट टू टॉक अबाउट नॉट शो कि ये जो ये जो चाइना का टास्क होता है ओके okay? चाइना के टास्क के बाद और यू नो झमुरी के आ, जो ज्ञान देती है यू नो किचन का आ, उससे पहले एक अनसीन है लिविंग एरिया में अंडा होता है अंडा लाते हैं वो लोग पता नहीं अंडा क्यों लाते हैं उधर एनीवे anyway, अंडा लाते हैं और शहनाज वहां पे लेटी हुई है और यू नो झमुरी उसके साथ है अभी मुझे ऐसे लगा एक तो वो भी था कि ये कब हुआ है सो इफ आई डू माय टाइमलाइन कि किसने कब कौन से सीन में क्या कपड़े पहने हैं उस तरह से देखूं तो आई फील स्ट्रॉन्गली दैट दिस हैपेंड राइट आफ्टर चाइना टास्क और या uh, yeah. वो थोड़ी uh, सी सैड थी सैड थी बिकॉज हाँ बिकॉज ऑफ ऑल दैट ह्यूमिलेशन शी हैड टू गो थ्रू और वो उसके आंखों में पानी था बेसिकली दोनों दे आर लाइंग डाउन ऑन दैट अंडा अंडा इज दैट रग ओके एंड झमुरी को अभी बहुत बड़ी एक फीलिंग आ गई थी कि देखो शहनाज यू नो बिग बॉस को बहुत मानती है अगर बिग बॉस ने झमुरी को यू you नो know, वकील बनाया है उसका तो एक नाउ इवन विल आल्सो बाय दैट मैं ही उसकी दीदी हूँ मैं ही सब कर, सब कुछ करती हूँ देखो बिग बॉस ने भी मोहर लगा दी कि मैं भी ये मैं मैं ही इसका टेक केयर करती हूँ जब ये डाउन होती है मैं ही पहले रहती हूँ बिकॉज दिस इज वाई शी से किचन सीन ऑल्सो की मैं मुझे सब लोग बोलते हैं लेकिन मैं उनको वो बोलती हूँ कि हाँ मैं शहनाज का करूंगी बिकॉज वो मेरी नेचर है राइट right? तो वो अपना उल्लू सीधा कर रही है इधर और तो वहां पर लेट के सब लोग अपने अपने गेम में लॉस्ट होते दिख रहे हैं थे राइट right? अभी जैसे काटा इज लूजिंग हर ग्रिप रावण एंड एंड लाइक मसला ऑल्सो यू नो लूजिंग देर ग्रिप उनका यू नो कभी कभी हाँ कभी ना चल रहा है एम टी मासी आर गॉन तो झमुरी मैडम क्या करती है यू uh, नो you know, दिम, चाहिए उसको तो कहाँ से मिलता है उसको सिर्फ से ही मिलेगा क्योंकि सिद्धार्थ तो बात नहीं करेगा तो उसको लगा कि अच्छा अभी यू नो बिग बॉस ने भी लाइक like, बोल दिया है कि तो ये तो मेरा सुनेगी ही सुनेगी तो दिस इज वॉट आई थिंक अगेन ये मेको लगता है Uh, इस वजह से वो इतना यू नो कॉन्फिडेंटली जाके उसको ओ माय गॉड शैन थोड़ा डाउन होती है ये उसको हक करती है लाइक डूड कैन यू यू स्टॉप हगिंग एंड एंड नो किसिंग गंदा लगता है जब ये करती है आई जस्ट आई कैनो आई डों बहुत गंदा लगता है तो उसको हक कर रही है और शी इज ट्राइंग टू शो ओ ये तो प्यारी बच्ची है मैं तो इसका बहुत केयर करती हूँ एक्सेट्रा एंड फिर पूछती है चल एनालाइज करते हैं एनालाइज करते हैं बिकॉज उसको थोड़ा भी उसका वो जैसे आ, हम हम नेबर के पास नहीं जाते कि अच्छा आंटी हमारे पास ना यू नो चीनी खत्म हो गई है एक 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 यू नो कटोरी में हम, हमको देना लाइक वैसे मतलब अपना यू नो कटोरा लेके गई थी कि कि शहनाज मेरे को थोड़ा भी दिमाग दे दे मेरे को एनालाइज करेंगे गेम तो

फिर से लोगों ने उसको फ्लिपर और ये वो चीजें बोली हैं फिर से शी वॉज गोइंग इन दैट सेम जोन इसीलिए उसने कुछ बात भी नहीं की किसी से ना रिएक्शन दिया तो यहाँ पर आ, आ, बस वही यू नो थोड़ा उसको थोड़ा यू नो दिमाग की जरूरत पड़ गई तो गई यू नो कटोरा लेकर तो आ, ओके तो यहां पर इज बेसिकली एनालाइजिंग ओके तो एनालाइजिंग में सा, रश्मि सॉरी सा, मोमो बोलती है देखो पूरा सरफेस लेवल पे बोलती है शहनाज ज़ोन में थी ही नहीं <coughs> वो कहती है मोमो नॉर्मल हो गई है और uh, काटा बोलती है हाँ, नहीं काटा को अभी अभी क्राई बेबी के प्यार की जरूरत है अः uh, उसको अटेंशन चाहिए क्राई बेबी की लड़ाई हो या ये हो तो ये भी उसको शायद पता नहीं उसने लाइक like, गूगली डाली ऐसे झमुरी की सब लोग गेम खेल रहे हैं वो उसको भी बोलती है कि तू बहुत गेम 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 तू बहुत गेम में आ गई है मतलब तू जो कर रही है गेम के लिए कर रही है तो शी कॉल्ड हर आउट आई फेल्ट शी कॉल्ड हर आउट देयर कि आई नो व्हाट यू डूइंग एंड एंड यू प्लेइंग अ गुड गेम सो उसने वहां पे मुंह पे उसको उसकी गेम दिखाई कि तू तू गेम में ही रहती है दिन भर और अभी हाँ, भी तू गेम में ही है गेम में ही है एग्जेक्टली exactly, एक्सैक्टली exactly. uh, तो ये पूरा <coughs> हाँ तो सबके लिए और और जब वो शहना जब वो सिद्धार्थ के लिए पूछती है लाइक नहीं उसका छोड़ क्यों अबे उसका क्यों उसका बोल शीज इज लाइक नहीं मैं नहीं बताऊंगी तो अह और देन वो खुद के लिए यू you नो know, पूछती है कि कि मेरे बारे में बोल तू प्यार में पगला गई है पगला पागल हो गई है तू प्यार में पागल हो गई है ये एक नैरेटिव ये एक था चैनल के लिए भी जस्ट uh, टू to... चैनल उनको बता रहा था ना यही चीज थी हाँ, तो वो बस उसको वीडियो yeah, में डाल के ऑडियंस तक तब... ऑडियंस को तो, हाँ कोशिश कर रही थी क्योंकि चैनल हाँ. यही दर्शा रहा था पिछले भी जेलस वीकेंड के बारे से कि ये प्यार में है वन साइडेड है जो इवन सलमान खान का बोलना साइको है तो हाँ. उसका शी इज नाउ पुटिंग वर्ड्स की थॉट्स डाल रही थी ऑडियंस के दिमाग में या सो ओके तो uh, वो एक अनसीन था और एक अभी ये वाले इसमें भी पहले यू नो बेड पे जब वो लेट लेटी भी होती है और यू you नो know, सिद्धार्थ वहां पे बहुत केयरफुली बात कर रहा है उसको कि तेरा वो यू नो मोहाली के घर में कौन आता है फिर बाज़ कब आता है उसके पास चाबी होती है हम लोग घूमते हैं और वहां पे वो कहती है कि मेरे मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं दो चार दोस्ती हैं उनके साथ ही रहती हूँ वो ज्यादा आता नहीं है जब आता है बहुत बहुत खर्च करता है तो आ, ये सारी चीजें बोल रही है फिर देन शी टॉक्स अबाउट हर बोलता है चावी किस बोलती है एक चावी मेरे पास रहती है और एक चावी बास के पास रहती है एंड वो कंफर्म करता है कि वो कितने बार महीने में आता है मिलने के लिए नौ? हाँ

अभी सब कुछ बातों से ही पता चलता है सो so, uh, हाँ, उसको थोड़ा चेयर अप कर रहा था बिकॉज वो बहुत लो फील भी कर रही थी तो उसको लगा कि अगर बाज हाँ। टॉपिक पे बात करेंगे तो हाँ तो फील गुड करके हाँ तो ये जो दो दो है, जो यहां पे दिखाए हैं वो हम लाइव डिकोड करेंगे अभी हम आगे बढ़ते हैं ओके वो एंड में करते हैं लाइव के So, uh, <coughs> uh, so, okay. so, पे दस बजे शहनाज इज इन पीचे और वो आती है वहां लेट यू नो सिद्धार्थ हेज इन चेंज्ड ये और uh, <coughs> वो अपने क्विल्ट में uh, जाती है और सिद्धार्थ uh, देखो बहुत बिकॉज झमुरी जब आई है सवा नौ बजे के उसमें उस, उस सेगमेंट में वो छोड़ी नहीं है यू नो बेडरूम एमटी भी वही है झमुरी भी वही है भूतनी की तरह वहां लाइक डेरा like, जमा के सुनी रही है पूरा बिकॉज uh, एको होता है ना आवाज uh, आप वैसे ही सुनो तो, uh, okay, तो वहां पे बहुत सॉफ्टली बोलता है अम्म uh,

वहा uh, वो रो पड़ता उधर बिकॉज वो ऑलरेडी रो रहा था अंदर लाइक गोइंग थ्रू बिकॉज हम वर्ड्स डालते हैं और वो उसी तक सीमित हो जाती है इनका कुछ और ही था बॉस कुछ और ही था ओके okay, सो so says घर uh, के बाहर देखो इतनी अटेंशन नहीं दे पाऊंगा तो कहती है हम्म ऐसे और अपना कान एंड शी स्टिल हैज द शी स्टिल हैज द बिंदी क्यूट लग रही है hmm. और अपना इयर निकालना शुरू करती है थोड़ा एक सेकंड में फिर वो बो uh, क्यों और वो अपना कान का निकाल रही है इज लाइक क्योंकि मैं मैं अपनी चीजों में बिजी हो जाऊंगा मेरी एक लाइफ है तो मैं वो करता रहूंगा एंड हिज आईज

तो ही लाइक राइट तो मतलब मे को ये है कि जब भी मैं आऊ मैं, मैं तुझे बता के आऊ अच्छा ट्रिप ओके okay. um, ट्रिप हाँ थैंक यू रुचि uh, मैं जब भी मैं आऊ मैं, मैं, मैं बता के आऊ और मैं ते को मिलू एंड सिद्धार्थ इज स्निफलिंग बाय द वे पूरा ये जो कॉन्वर्जेशन है uh, वो उसका जब आप अंदर से रो रहे हो और आपको दिखाना नहीं है सामने से uh, कि आप रो रहे हो लेकिन नाग बहरी है बिकॉज इट्स physical reaction, you यू know, नो ducts. सिटी निकलते हैं अगर बाहर नहीं निकल रहे तो अंदर निकलेंगे तो वो ड्रेन तो कहीं से तो होगा सो सॉरी टू गेट ऑल बायोलॉजिकल बट दैट इज तो वो अपनी नाक साफ कर रहा था बार बार क्योंकि वो रो रहा था डेफिनेटली सो so, uh, फिर वो कहती है यू you नो know, कभी कभी तो हा एंड हा मतलब अनेबल टू फॉर्म वर्ड्स ठीक है और uh, वो उसको क्या बोलना है आगे <laughs> समझ में नहीं आ रहा था तो शीसेज टाइम टाइम निकाले अच्छा that's it. He सेज, हाँ हाँ बिल्कुल तो बट हम फोन पे बात करेंगे चाहे पूरे एक दिन में चाहे हमारी दस मिनट ही बात हो तो तो यू नो सिद्धार्थ जब मैं काम कर रहा होता हूँ तब तो मैं शायद ही कभी फोन पे बात करता हूँ एंड uh, यहाँ पे शहनाज ना इज नॉट मेकिंग आई कॉन्टेक्ट और ऐसे uh, स्माइल कर रही है तो ठीक like, है it's okay. देखते हैं uh, बाहर जाके क्या होता है और यहाँ पर ना कैमरा एक वाइड एंगल पे दिखाते हैं एंड जमुरी इज वॉकिंग बाय द बेड बिकॉज शायद यू नो बेड पे बैठ के शायद एम बातें कर रही है तो उसको था कि अगर मैं चलू तो मैं इनकी बातें ठीक से सुन पाऊ ये सारा जिंदगी भर यही करती है खान लगा के बैठती है <laughs> क्या क्या लिया इतना करके। ठीक है तो तो फिर ही सेज कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तब तो मैं शायद ही आ, नहीं सॉरी अगर ते को मेरे से अटैचमेंट होगी तो तू करेगा आ, फिर उसकी तरफ देखती है फाइनली और आ, और नहीं होगी तो नहीं करेगा उसके चेहरे पे स्माइल है लेकिन वो स्माइल के पीछे मुझे लगा बहुत सारा दर्द बहुत सारी एंग्जाइटी है ना आ, उसकी जो आंखें है ना कुछ और हाँ। बोल रही है उसकी स्माइल कुछ और बोलती है उधर हाँ जब वो बोलता है ना कि तुझे होगा तो तू तू करेगा अदरवाइज ठीक है मतलब वो उस, उस मोमेंट पे वो भी सोचना नहीं चाहती थी कि वॉट इफ की कल जाके हमारा ऐसा रहे तो वो, oh my God, वो उसकी फेसप्रेश बातें कुछ भी मैच नहीं कर रही थी एक दूसरे से एंड सेम वॉज है सिद्धार्थ जब बोलता है कि uh, मैं जब मैं इतना नहीं दे पाऊंगा एंड ऑल तो उसको भी लग रहा था कि क्या करूं क्या करूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं सब झूठ हो जाए करके सो तो तो फिर ही इज स्ट्रगलिंग टू फॉर्म वर्ड्स ओके वहां सेज की मेरी ना जो आ, जो जो बेस्ट फ्रेंड है ना शीना जिसका मैंने लाइक फाड़ा वो टावल आ, तो है ना हम लोग रेयरली मिलते हैं यू नो समझी ऐसे और शहनाज अपनी यू नो बिंदी हटाती है और बिंदी को देख रही है उंगली पे जो उसकी चिपकाई हुई बिंदी है उसको देख रही है क्यों मैंने ये क्यों बोला क्योंकि वो अवॉइड कर रही थी आई कांटेक्ट अगर देखे आई कांटेक्ट करे तो कुछ इमोशनल रिएक्शन हो जाएगा शी ड नो हाउ शी विल रिएक्ट इफ शी सीज हिम आई टू आई इसीलिए मुझे इसीलिए भी लगा कि चाइना के टाइम पे भी उसने ज्यादा सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा बिकॉज हम जब अपनों को देखते हैं इन अ वनरेबल मोमेंट हमारे हमारी इमोशंस आ जाती हैं बाहर बिकॉज यू यू डोंट केयर कि क्या हो रहा है आपका जो अंदर का है वो निकलता है बाहर एंड इट्स अ इट्स अ रिफ्लेक्स इसीलिए व्हेन यू आर होम यू नो द मेकअप ऑफ यू नो यू चेंज एंड यू यू येल इफ यू हैड अ बैड डे यू शाउट इफ यू हैड अ गुड डे यू नो ऐसा जो भी हो हमारा रियल जो अंदर का है वो बाहर आता है सो सो दिस यू नो know anyway, सो so वो अपने यू you नो know, बिंदी को देख रही थी और जब ये बातें कर रहा था अः uh, तो यू नो वैसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ भी चीजें होंगी तो तो है पर हम लोग मिलते मिलते नहीं है इतना और इतना फोन पे बात नहीं करते तो ये फेक नहीं है यहाँ पे यू नो सिचुएशन ऐसी है सो uh, so, उसकी उसकी सेंटेंस उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है नॉर्मली व्हेन ही इज इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड एकदम इम्पेकेबल उसका थिंक ही इज आल्सो ओसीडी कि ये वर्ड्स और uh,

यहाँ पे हूँ इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ बट ये फेक नहीं है सो so, अः uh, तो लाइक हाँ like, काम नहीं है यहाँ पे एंड हाँ और यहाँ पे हम लोग ही हैं uh, तो तभी लाइक like, मासी आता है अपने कपड़े लेने के लिए uh, तो यहाँ पे ये सीन है जो ये मोमेंट है जो जर्नी में दिखाया था सिद्धार्थ के जर्नी में दिखाया था मेरा बेस्ट इक्वेशन बेस्ट टाइम जो स्पेंड होता है वो वो तेरे साथ होता है और वो हम पूरा टाइम शी इज टू हिम एंड एंड वो उसकी तरफ ही देख रहा था पूरा टाइम टू सी हाउ शी इज रियक्टिंग टू एवरी थिंग एंड तो says, and, तो बाई चांस नहीं होता जो मेरे को भी अच्छा लगता है uh, फिर शहनाज सिद्धार्थ की तरफ देखती है फाइनली एंड यहाँ पर यू you नो know, सिद्धार्थ अपनी नाक साफ करी करी जा रहा है करी जा रहा है तो जो मेरे को भी अच्छा लगता है ना पर इतना सेम बाहर निकल निकल के नहीं होगा फर्क पड़ेगा कल जब ऐसा नहीं होगा उसको बोलता है तो <laughs> यहां पे लगा और वो नॉट करती है और वो ऐसे ऐसे आवाज निकालती है ओके okay? तो मेरे को ऐसे लगा कि सिद्धार्थ उसको समझा रहे हैं या अपने आप को समझा रहे हैं कभी ऐसे होता है ना जब इनसाइड वॉइस यू यू नीड अ वॉइस ऑफ रीजन और यू नीड समथिंग सो जब आप लाउड वेन यू थिंक आउट लाउड इट्स मोर फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू वॉन्ट टू हियर आउटसाइड वॉइस यू नो टेलिंग यू टू लाइक नॉक मुझे ऐसे लगा कि वो अपने को ज्यादा समझा रहा था सॉर्टेड लग रही थी अपने बातों में, बट वो कितना उसको समझा रहा था uh, सॉर्टेड इन अगर तू आगे जा के करेगा नहीं करेगा वो ले रही थी उसको भी लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ भी ये चीज फील करे इसके लिए हाँ, वो सोच रही थी कि बहुत हैवी हो रहा था वो कॉन्वर्सेशन तो इसलिए वो ओके ठीक okay, है मतलब तो कितने बार ऐसा होता है ना कि कोई कॉन्वर्सेशन हैवी हो जाता है तो वन साइड ऑफ द पीपल शुड टेक इट वेरी लाइटली ताकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है जो बोलना चाहता है जो बताना चाहता है वो पूरा बोल पाए एग्जैक्टली सो दिस इज व्हाई आई थिंक दे एक्सटेंड ईच अदर सो ब्यूटीफुली अह दे मतलब अह uh, uh, कैसे कहाँ पे किसको क्या कैसे करना है दे नो इच अदर सो वेल इट्स लाइक दे आर टेलर मेड फॉर इच अदर जे म इसीलिए सोलमेट्स है एक ही सोल के दो 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 यू नो पीसेस हैं ये लोग बट एनीवे तो ही सेस तो टीको जब वो बोलता है टीको फर्क पड़ेगा कल जब ऐसा नहीं होगा uh, कि मतलब मैं इतना अटेंशन नहीं दे पाऊंगा बाहर जाकर तो वो नहीं होना चाहिए ना है कि नहीं ऑफ uh, कोर्स बात करेंगे ऑफ कोर्स मिलेंगे वो सब पर ऐसा तू सोच रही है ऐसा ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि चीज ही अलग है दुनिया ही अलग है है ना सो ही सेज मतलब शी मतलब मतलब बाहर और वो पॉज होता है और ये ये बात करती है और वो बोलती है uh, oh man.

फिर वो कहती है कि वो तो फर्क है आ, हाँ तो वैसे आ, और यहाँ पे थोड़ा यौन करता है सिद्धार्थ बिकॉज ही सोचते हो योर योर माइंड इज डूइंग लाइक अ कार्डियो एंड आपका दिमाग थक जाता है इसीलिए डे के एंड के बाद जब हम यौन करते हैं हम नींद के लिए यौन नहीं करते हैं हम जब डिस्ट्रेस होते हैं

मुझे कुछ होने लग पड़ता है ये सब सही बात है अः पर ये आदत मेरी बाहर जाके जल्दी नहीं छूटेगी मुझे पता है नहीं छूटेगी मेरी और वो उसका जो स्माइल नर्वस लाफ उसका जो वो वो यू नो चकल करती है इट्स ऑल नर्वसनेस अः एंगजाइटी बट कहती है कि बट बट मेरे को वापस जाना पड़ेगा उस दुनिया में

इसके दोनों लिए वो ऐसे सीधा हो गया एंड उसने अपने हाथ से हाँ। आंख भी पोछ ली साथ में हाँ कर दिया और और एंड देन ही इज लाइक ओ मैन ऐसे कर ऐसे करता है सो so, एंड um, उसके आंखों में आंसू है ऑब्वियसली दोनों के आंखों में आंसू है बट जब ओके okay, सो so, ये व्हेन यू दिस वाज अ कॉन्वर्सेशन ये कॉन्वर्जेशन के बहुत सारे विदाउट गोइंग टू डीप इन दिस फ्यू थिंग्स राइट बिकॉज वो जो चाइना ने बोला सेल्फ रिस्पेक्ट और ये वो uh, uh, अपने आप को मैं इस वक्त यू you नो know, भूल चुकी हूँ एंड ऑल दैट तो उस यू नो सिद्धार्थ वाज इवेल्यूएटिंग एम आई एम आई यू नो टॉक्सिक फॉर हर इज दिस रिलेशनशिप लाइक टॉक्सिक फॉर हर या कुछ ओवर हो रहा है बिकॉज उनको एक चाइना मतलब चाइनल की बंदी थी वो तो एक लाइक परस्पेक्टिव दे रही थी सो बट उसको वो चाहिए था बट इवन दैट वॉज मेकिंग हिम गो इन रेट्रोस्पेक्ट मोड एंड थिंकिंग एंड वो था एंड इसीलिए वो उसको सामने से रख रहा है ये सारी चीजें बोल रहा है कि तू बाहर जायेगी मैं तेको अटेंशन नहीं दे पाऊंगा मैं ऐसे नहीं हूँ सो दिस वॉट इट टोल्ड मी Was, इसका एक जो है था बिग बॉस से पहले वो किस तरह से बाद उसका उसको पता है दिस इज हिज दिस इज लाइक फॉर एवर इन माइंड ही वाज एब्सुलटली मतलब हो गया था राइट right? उसका लाइफस्टाइल भी चेंज होने वाला था वो था बट बट uh, वो शहनाज को बता रहा है आई थिंक शहनाज को कम खुद को बता रहा था ऐसे लग रहा था द मोर यू गो बैक एंड लुक एट दिस एंड अंडरस्टैंड दिस हिज वर्ड्स कि मेरा लाइफ अलग है अलग है uh, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा uh, उसको कहीं एक एंजाइटी भी हो रही थी लगता है आई डोंट नो कि आगे जाके विलाए be able to do the same thing like I'm doing inside the house. Uh, yeah will I go back to my old lifestyle uh, because that is what I've done for you know 38 years of my life or or you know fifteen years of my adulthood. So hai, to do it. So he was thinking out loud, he was unpacking all those things, you know, in his mind. Because Shana's. के थॉट्स में बहुत क्लैरिटी होती है इन एंड एंड यू नो दैट डज नॉट मीन दैट ही हैज नो क्लैरिटी ही थिंक्स अ लॉट उसका थिंकिंग अलग है मैं ये कंपैरिजन के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ शहनाज को था कि तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तू मेरे से सबसे पहले है बिकॉज एक दिन पहले ही वो उसको बोलती है कि कि तू मेरे से कितना प्यार करता है यू you नो know, जितना तू करती है तो कहती है तो ही like, तू कितना करती है तो शी सेज मेरे को सबसे पहले तू है मतलब मेरे को अपने आप से भी पहले तू है तो वो बहुत सिंपल चीज सिंपल वे में बहुत गहरी बात बोल देती है राइट right? उसका तो उसके वर्ड्स ही इज बेसिकली से कुछ होता है क्या ये चीजें सिद्धार्थ के लिए भी अप्लाई नहीं करती है जब जब शहनाज को कुछ होता है, है? Uh, uh, कुछ होता है uh, या इन, इनकी बातें नहीं होती है तो दिस तो गायज फर्स्ट टू फॉल्सिक

मिररर इमेज बट यहा क्या कर रहे वेड ऑफ दैम ये पांच हफ्ते बाद ये रियल वर्ल्ड है हमको रियल वर्ल्ड में जाना है तो वो थोड़ा लाइक like, प्रेगमेटिक्स बंदा है uh, वो रियालिटी uh, वो है सो so, ही He's like हाँ अभी now now I have to figure out कि मेरा daily schedule क्या है मैं phone पे नहीं रहता हूँ मैं ये नहीं करूँगा so उसको भी समझ में नहीं आ रहा था boss होगा कैसे बाहर जाके क्या होगा like he he didn't know what was going to happen it was not he wasn't you know questioning the relationship here at all uh, he was you know questioning the like day to day lifestyle he he was evaluating more more so, so but uh, और, और शहनाज का भी था कि मैं हूँ तू मेरे लिए क्या है मैं clear हूँ और uh, तू मेरे से सबसे पहले है हार जीत मे कोई को को नहीं जीतना है ट्रॉफी मैं मैं यू uh, नो you know, तुझे जीतते देखना चाहती हूँ अः uh, तू मेरे मैं आई want टू विन यू एंड आई want यू टू विन द ट्रॉफी सो शी was वेरी क्लियर ऑन her priorities, राइट एंड मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा मैं, मैंने तेरा कभी फ्लिप नहीं किया तेरे पे और वो वो ही also knows दैट लोग चार लोग बोलने से वो फ्लिपर है वो फ्लिपर नहीं बन जाती सो so, दोनों का ही न्यू where शी stands. आई थिंक इसकी बातें अगर हम सुनेंगे यू you नो know, सिद्धार्थ की उस ही वाज इट वाज मोर फॉर हिम इट इट लुक्स इट लुक्स लाइक दैट देन हर और एंड और एक ये तो ठीक है ठीक है ये तो ठीक है ठीक है इन द सेंस यू नो सितंबर सेकंड से पहले सब ठीक ही लग लगता है कि ओ, कितना अच्छा है इन ऑल दैट सितंबर सेकंड के बाद इसके मायने एकदम बदल जाते हैं

देखो ये तो अच्छा है कि बाहर आने के बाद उनके लिए एक आई विल से इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि कोविड हो गया एंड दे वर देयर टुगेदर एंड दे स्पेंड गुड टाइम विथ टुगेदर लेकिन सपोज अगर ये सिचुएशन ऐसा नहीं होता बाहर आने के बाद कोविड नहीं होता देन उसके पास सिर्फ एक शो था हाथ में एम एस के वो भी उसको मतलब पता नहीं उस टाइम पे एम एस के साइन हुआ था या नहीं तो She, she, उसको ये पता था कि यहाँ से जाने के बाद मुझे वापस पंजाब जाना है एंड आई देयर उसके दिमाग में ये, ये बॉम्बे की टेलीविजन इंडस्ट्री थी लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था उसके पास तो उसका फर्स्ट प्लान क्या था कि पंजाब जाना है और काम करना तो एंड इसको ऐसा था कि अगर ये पंजाब चली गई तो कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे तो दोनों जन एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कि अगर हमने जैसा जैसा मतलब सिद्धार्थ भी खुद को समझा रहा था कि जैसा मैंने एक प्लान करके रखा है दिमाग में अगर वैसा नहीं हुआ एंड ना कि उसको जाना पड़ा पंजाब तो हाउ शी विल डील विद द सिचुएशन वो कैसे कोप अप करेगी मेरे बिना रहना तो दोनों जन एक दूसरे को समझा रहे थे सिद्धार्थ भी खुद को समझा रहा था की अगर ये पंजाब चली गई जैसा मैंने सोचा है कि जैसे फर्स्ट पड़ाव में अबू को बोला था कि ले आऊंगा मैं बॉम्बे इवन जमुरी को एक सीन में बोला है उस सीन में बोला है उसने कि नहीं ये आएगी बॉम्बे उसने उसको पता है कि उसको बॉम्बे लाना है लेकिन फर्स्ट स्टेप बॉम्बे आने से पहले भी तो देर इज डेज जहाँ पे लोग दोनों को अलग रहना है तो ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ ही वॉज प्रिपेयरिंग शहनाज ऑल्सो कि हम अलग भी रहे तो हमको एक दूसरे हम टूटना नहीं है हमको वी शुड बी टूगेदर दोनों जन का जो था ना वो एक एक दूसरे को जैसे संभालने की कोशिश कर रहे थे उस सिचुएशन में And भी बहुत कौन बोलता है कि उसको दिमाग नहीं है वो बहुत मेचर्डली उसने ये सिचुएशन हैंडल की उसने कहीं पे भी सिद्धार्थ को टूटने नहीं दिया उसने जैसा बोला वैसा समझा समझा और उसकी बातों में भी उसने उसने भी शहनाज ने भी सिद्धार्थ को क्या बोलते हैं कि एक तरीके का एक कॉन्फिडेंस दिया कि नो नो आई एम देयर विथ यू हम मिलेंगे हम बात करेंगे तो ये जो था उनका जो कॉन्वर्सेशन था अगर वो एयर नहीं होता ना तो शायद वी कुड हैव मिस्ड दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन जहां पे दोनों को बोल रहे थे लेकिन एक दूसरे के लिए बोल रहे थे एक दूसरे को संभालने के लिए बोल रहे थे क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर सपोज मुझे थोड़े दिनों के लिए भी अगर इसको पंजाब जाना पड़ा तो वो कैसे रहेगी मेरे बिना एंड सिद्धार्थ खुद को भी समझा रहा था कि मैं क्या करूंगा उसके बिना तो इट वाज लाइक वेरी ब्लेसफुल मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल था वो मोमेंट एंड

आई डोंट नो मैंने कितना सही बोला कितना गलत मैं बाद में शांति से नहीं सुनूंगी बट उसमें सही गलत नहीं होता है आपने मुझे है, बात बोली है यहाँ पे सही गलत नहीं होता है वो सीन सोच के ही आज के सिनेरियो में बहुत दुख होता है कि शायद ही वाज प्रिपेयरिंग हर फॉर फ्यूचर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हाँ हाँ वही इसीलिए वो होता है कि आ... बर सेकेंड के बाद अगर हम ये देखें ये वाला इसके मायने कुछ और हो जाते हैं इसके मायने बहुत इट हिट्स यू डिफरेंटली एंड ये क्या हम क्या हम मतलब क्या बोलना है वर्ड्स में इन चीजों को सीमित करना इज नॉट इट इट विल नॉट डू जस्टिस सो बट हाँ इसमें से एक चीज टू सॉर्ट ऑफ मूव अवे फ्रॉम दिस बिकॉज जब वो एवरी थिंग यू गो पूरा ये पूरे जो वर्ड्स हैं दिस इज व्हाई दिस इज दिस इज द मोमेंट व्हाई दिस इज व्हाई आई मुझे ऐसे लगता है आई हैव दिस स्ट्रांग कन्विकशन कि ये इस दुनिया के इनका जो कॉन्टेक्स्ट है ये कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इस इस दुनिया 2020 का नहीं है ये Uh, उनका जो सोल जर्नी है वो कॉन्टेक्स्ट है और uh, उसका एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं कि तेरी दुनिया अलग है मेरी अलग है uh, तेरे को रहना पड़ेगा तेरे को आदत डालनी पड़ेगी तेरे को करना पड़ेगा ये सब सो वेन यू रिमूव दैट वन लाइफ टाइम बिकॉज दैट इज आर रियालिटी राइट एक एक लाइफ टाइम है हम हम पैदा होते हैं फिर हमारा कभी ना कभी वी गो ऑफ राइट बिकॉज एवरी ह्यूमन हैजार्ट एन एन एंड सो बट इफ यू रिमूव योर सेल्फ एंड गो एटेट वो होता है कि ओके इसीलिए शहनाज का जो कन्विक्शन है अभी भी कि हमारी हैपी एंडिंग नहीं हुई है बिकॉज वो एक सोल जर्नी के तहत ही देख रही है कि हाँ अभी टाइम नहीं है we, क्स्ट टाइम दिस इजिल होना चीजें चाइना आके गई है uh, you know, हुआ, हाँ ये सारे फैक्ट्स है ठीक है ये सारे एविडेंस है जिसको हम जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं हाँ ये हुआ, ये हुआ था ये हुआ था इसलिए ये हुआ था राइट right?

इट इज बॉस ये तो ये ये हम ह्यूमंस के लिए नहीं है ये कुछ और सीन है ये बहुत बहुत एलिवेटेड है इसीलिए मुझे लगता है कि दीज पीपल आर नॉट नॉर्मल ह्यूमंस ये लोग आम लोगों की तरह नहीं है uh, इनकी हर कही हुई बात इसमें हर इट फील्स लाइक दिस वाज यू नो डेस्टिंग एंड देयर सोल्स न्यू इट फील्स लाइक their souls knew what was happening because वॉज है शहनाज हम बोलते हैं God's child instinctive है ये है वो है उसको हमेशा uh, वो you know Christmas वाला week में जब trees भी सब लगे हुए होते हैं uh, right वो सारे डेकोरेशन लगे हुए होते हैं वो लोग गार्डन बेंच पे बैठ के बातें कर रहे हैं लाइक like, काटा है और यू नो सिद्धार्थ है और ये है तो she's लाइक like, मेरा फ्लो मैं मैं लाइक like कमिटमेंट में नहीं रहती मेरा फ्लो फ्लो में हो गया बिकॉज को कमिटमेंट नहीं पसंद एंड uh, एंड uh, मैं बस अगर हो गया तो हो गया लेकिन मैं किसी को अपनी कमिटमेंट नहीं देती हूँ ये क्या बोल रही है यहाँ पर उसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया था लोगों ने लोगों ने बिकॉज हम हमारे दायरे में रह के हम सोचते हैं ना समझते हैं चीजें वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी अभी मैं देखूँ फिर से देखू राइट इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर शी से आई डोंट टू बी एट द मर्सी ऑफ सम रिलेशनशिप दैट विल हैज यू नो पोटेंशियल टू ब्रेक दैट हैज लाइक पोटेंशियल टू बिकॉज उसको डर था कि जो उसके पास था उसका तब तक का एक्सपीरियंस के बारे में बोल रही हूँ उसने कहा भी है मेरे को डर है कि वो चीज मेरे से निकल जाए वो चीज मेरे से हाँ मतलब मेरे लाइफ से चली जाए अः उसको इंटरव्यूज में भी यू you नो know, बोला गया व्हाट व्हाट डू आर यू मोस्ट अफ्रेड ऑफ लाइक हर लव यू नो प्यार खोने से डरती हूँ मैं एक लाइव में आती है वो बोलती है कि आ, एक सब सब लोग उसको यू you नो know, बोलते हैं लाइफ पे कि गाना गाओ गाना गाओ वो गाती है तेरा मेरा प्यार अमर फिर भी क्यों लगता है मुझको डर सो so, ये दिस इज ओके दीज आर हर वर्ड्स एंड शी इज बींग्यूमन एंड शीज टॉक ऑल दैट बट इफ यू कनेक्ट दिस कॉन्वर्जेशन टू दैट यू नो क्रिसमस कॉन्वर्जेशन टू हर लाइफ उसके इंटरव्यूज दिस इज ऑल देर सोल्सर न्यू देर सोल्स दिस इज देर सोल्स ऑफ कनेक्टिंग आई फील अगेन मैं शायद मे बी आई एम ओवर रीचिंग एंड मे बी मैं मेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए बट मैं वैसे सोचती हूँ जब इनको देखती हूँ ना ये जब ये जो कॉन्वर्जेसन है और आगे भी आएंगी इनके जो बहुत सारे मोमेंट्स है तू जब यू नो यू नो तू जब सत्तर साल की हो जाएगी और मैं अगर मैं तब तब जिंदा रहा तो तुम्हें को कॉल करेगी और वो ये ये जरूरी नहीं है कि तुमको यू you नो know, करोड़ों लोग लाइक like प्यार करें, एक दो लोग करे भी तो इट्स इनफ सो दिस दीज नॉट जस्ट कॉन्वर्जेशन दीज आई फील दाउ ये ये कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है उनके सोल्स जानते हैं जैसे uh, जैसे हाँ दैट दैट वीवो एग्जैक्टली वो जो वीवो के दि, उस दिन पूरे कॉन्वर्जेशन हो रहे थे uh, पूरा इनका इनका कुछ भी सितंबर सेकंड के बाद इसीलिए ये डिकोडिंग में ना ये जो मैं नो देख रही हूँ आई फील लाइक दिस इज आल्सो लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ सम सॉर्ट बिकॉज मैं सारी चीजें एक अलग मेरे को अलग थॉट्स आ रहे हैं अभी देखने से पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी क्लैरिटी है नहीं आई डोंट नो इफ इफ दिस इज मोर क्लियर बिफोर सेप्टेम्बर सेकेंड आई डोंट नो बट अलग है इट इज डेफिनेटली डिफरेंट जब एयर हो रहा था एयर के बाद भी मैंने यू you नो know, दो साल अठारह महीने री रन देखे हैं उसके बार 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 बार, बार अनसिन देखो ये देखो वी एम्स देखो फलाना देखो बट सेप्टेंबर सेकेंड के बाद जिस गहराई से और जिस चीज से समझने की कोशिश कर रहे हैं Uh, या समझ में आ रही हैं, या स, दिख रही हैं, या डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं मेरे माइंड में आई फील लाइक एंड तो इसीलिए मैंने बहुत बार लाइफ में भी बोला है कि लेट्स नॉट यू नो क्वेश्चन जब पीपल जब लोग हमको यू you नो know, बोलते हैं पागल है तू क्या ये यू you नो know, बिग बॉस के पीछे पड़ी है पागल है पागल है पागल, है, पागल है, छोड़ दो उनको डोंट यू नो आपको यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है आपको उनकी बातें सुनने के लिए अच्छा लग रहा है तो सुनो आर नॉट हर्टिंग एनी बडी आर नॉट हार्मिंग एनी बडी बिकॉज दिस इज मेंट टू बी ये कहीं कही ना कहीं आपके डेस्टिनी में है ये कुछ है ये आपको ये ये, ये चीज एक्सपीरियंस करनी है जब हम uh, जब हम यू you नो know, बुरे चीजों का यू नो क्वेश्चन करते हैं अच्छे चीजों का क्वेश्चन भी करते हैं राइट right? uh, नहीं करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है you, like, don't, don't second guess yourself. अगर आप आप इस स्पेस में हो आपको इसमें अच्छा लग रहा है तो करो करो आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो करो बिकॉज इट इज फीडिंग योर सोल बिकॉज ये मुझे कुछ अलग लगता है जब ये देखती हूँ और जब चीजें फील होती हैं अभी मेरा और स्नेहा का हम लोग पहले हंड्रेड एपिसोड तक हम लोग कंपेयर नहीं करते थे नोट्स या, क्या, थ, you, feel, हमारा डिकॉर्ड यू नो शुरू होता था तो स्नेहा का और मेरा सितंबर पहले सितंबर सेकंड से पहले मैं स्नेहा को नहीं जानती थी लाइफ पे भी नहीं जानती थी मैं बट वो हो गया ऐसे कनेक्शन हो गया एंड यू यू डोंट कोई एक्सप्लेन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है इस चीज का क्यों क्या फलाना सबका एविडेंस नहीं होता है सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है इन द सेंस यू नो लाइक इज नो फॉर्म्यूला फॉर एनी थिंग दो समिंग्स यू हैव टू लीव इट टू द यूनिवर्स कि संबरी इज मेकिंग दिस मे बी योर पास्ट कर्म आपको यहाँ पे लाए हैं पता नहीं क्या है कुछ है obviously, जैसे, जैसे, जैसे लोग, जैसे लोग राधिका भले हाँ। हम लोग ने किसी को एक दूसरे को देखा नहीं है लेकिन हाँ? हम लोग बहुत लोगों को नाम से जानते हैं इवन जब उनकी पोस्ट भी आती है तो ऐसा हाँ ये लाइव में देखा ये ना सो इट्स इट्स देयर कॉस्मिक कनेक्शन जो हम लोग को कनेक्ट कर रहा है हाँ और इट इज आवर कॉस्मिक कनेक्शन आल्सो बिकॉज हम लोग सब लोग यू you नो know, जुड़े हुए हैं जैसे बोला है ना कि हम सारी लड़कियां यू you नो know, गोपियां थी शायद <laughs> 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 तो पता नहीं क्या कनेक्शन है वी डोंट नो व्हाट दैट इज एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर लाइक रिलीजन एंड ऑल बट जनरली मैं एज एन एग्जांपल बोला है मैंने एनालॉजी के तहत बट uh, हमारा कुछ है कनेक्शन बिकॉज अभी ये और इनका ही देख लो इनकी जो बातें हैं Uh, इनकी जो बातें हैं ये क्यों हो रही हैं और ऐसे ही वर्ड्स क्यों हुआ है यू नो ऐसे ही ऐसे uh, वर्ड्स क्यों यूज हुए हैं कि ये सितंबर सेकंड के बाद इनके मायने बहुत uh, एक अलग लेवल पे हैं इट वाज लाइक स्नेहा सेड ही वाज वाज हिज सोल यू नो प्रिपेयरिंग हर कि अभी देखो यू नो बाकी का यहाँ जो है यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी योर कार्मिक अकाउंट्स जो भी है वो करके फिर हम आगे मिलेंगे यू you नो know, फिर हम एक साथ करेंगे फिर हमारा कुछ होगा फिर हम सो so, सो so, वो कार्मिक अकाउंट्स जो भी दिस इज ऑल वेरी स्पिरिचुअल इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट एंड आई अगर लोगों को उस, उस पर भरोसा नहीं है uh, तो आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज बट मैं वैसे कह रही हूँ Unpack this because in a physical world ये मेरे समझ के बाहर है of his health right from what we know अच्छा गोपिया गोपिया इज uh, uh, मतलब जो हिंदू रिलीजन में जो नो कृष्ण भगवान है वेरी यू नो charismatic गायव टू मतलब गलियों के बोलूँटिकायकिया जो गोपिया थी you know, गोपिया बुलाते थे गोपिया मतलब यू नो गोपी की सहेलियां गोपी इज अनादर ने फॉर यू नो कृष्ण जी सो ऐसे तो एंड जब ही वुड प्ले हिज फ्लूट

ये बहुत uh, हाँ एडमायर फीमेल एडमायर फैन गर्ल्स फैन गर्ल्स इन गोल्ड बट हाँ सो so, तब तब उस उस टाइम पे यू नो फैन गर्ल्स वर्ड नहीं था ना तो हम लोग हमारे वर्ड्स <laughs> भी बोलेंगे बट <laughs> नहीं बट दिस इज टू से इनका जो बॉन्ड है वो शायद बहुत सोल जर्नी से आ रहा। इनका एक सोल जर्नी हो रही है और अगर हम मानते हैं कि ये दोनों सोलमेट्स हैं जो कि मुझे बहुत लगता है तो आ, वो आ, मतलब वो यू नो दिस इज वन स्टॉप फॉर देम इन इन देर जर्नी अभी इनका अगला स्टॉप आएगा उसके बाद अगला स्टॉप आएगा ऐसे सो वी डोंट नो वी डोंट नो ये लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा यू नो मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है टाइप भी बोल सकते हैं ठीक है मेरा मन यू you नो know, बहल रहा है तो मैं मैं इसी थॉट में रहूंगी आपका मन यू you नो know, जिससे बहलता है उस थॉट में रहो टू ईच इट्स ओन सो हाँ तो बस आई थिंक विल पॉज हियर सो देट इज वाई आई फील वेरी स्ट्रॉन्गली कि हम लोगों का कुछ कुछ कार्मिक अकाउंट है कुछ कुछ तो है कि हम इस तरह से मिले हैं या या मेरा बात करने का रह गया था पिछले जन्म में कि अभी बात कर कुछ तू बाकी था बाकी <laughs> <भागी> था।, <laughs> था अभी कर ले पूरा <laughs> करो अभी करपर <करने। laughs> <था पर। laughs> चप्पर करके ओके okay. ओके 11:45 लाइट्स ये वाला सीन करके हम एंड करते हैं हाँ। जो चुगलियां करते हैं ना हमारे दोनों चुगलिया नहीं बोलूंगी बट यू नो पड़ोसी के जो जो लड़ाइयां होती है जैसे दूसरे पड़ोसी जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है नहीं नहीं जब हमारे घर में सब ठीक है तो हम हाँ। हमारे पास टाइम होता है दूसरों के घर पे झांकने का

<laughs> नहीं ये ये वाला यू नो कृष्णा उसको कंपेयर ना ही करो तो अच्छा है सो so, ओके okay, तो जाती है एमटी को बैटरी देने के लिए ओके okay? फिर जमुरी बड़ा एमटी के साथ बातें कर रही है क्यों कर रही है उसको था कि जैसे उसने, जैसे उसने काटा के सॉरी मासी को आग लगाई बिकॉज उसको मासी को नेगेटिव दिखाना था

Uh, कि इनको निकालना है अभी बिकॉज सारे नॉमिनेटेड हैं तो शी वॉज फोकसिंग ऑन दैम आई फेल्ट तो झमुरी बहुत उसको बोल रही है शहनाज को लाइक uh, like मासी के बाद और वो क्या करती है वो शहनाज को आगे करती है अपनी लड़ाई uh, मतलब करवाने के लिए अगर इफ शी वॉन्ट्स टू फाइट विथ मासी वो वो भी शहनाज को चाबी घुमाने की कोशिश कर रही है हमारी झमुरी मैडम कि देख कुछ कुछ मिला नहीं तो यू you नो know, बेमतलब का उसको चिढ़ा के गया वगैरह वगैरह ठीक है वो यहाँ पे आग लगा रही है बेसिकली दो 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 मिनट की लड़ाई घंटे वाली जुमूरी. और हम यू नो बेडरूम के उस तरफ देखते हैं मोमो क्राई बेबी लाइक मासी बैठ के बातें कर रहे हैं फिर शहनाज एम को बोलती है कि तू अभी रिएक्ट ही मत कर तो फिर झमूरी हाँ रिएक्ट ही मत कर बिकॉज उसका तो अभी उसका अभी यू नो कटोरी नहीं फिल हुआ है तो जो भी यू नो कटोरी में बाकी रह गया था दिमाग वो अभी ले रही है शहनाज से तो बोलती है नहीं हाँ मत कर मत कर उसको रिएक्ट मत कर तो फिर शहनाज बोलती है लाइक छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट मत करना इस इसका नजरिया बदल जाएगा आ, और आ, कि जब तू रिएक्ट ही नहीं करेगी तो उसकी फटेगी और उसकी फाड़ तो का सही है ये बंदी <laughs> तो यहाँ पे झमुरी बीच बीच में बीच बीच में ऐसे कर रही है जैसे हाँ तू इग्नोर कर लेकिन झमुरी का इंटेंशन वो नहीं था उसका इंटेंशन था कि इन शी हैज टू तो गो फाइट शी हैज टू तो गो फाइट शी हैज टू तो गो रिएक्ट ऐसे आ, तो यहाँ एम मुझे ना मुझे थोड़ा अलग लगा उस मुझे ऐसा लगा कि जमुरी चाहती नहीं थी लोग दोनों बात करें या कोई भी रिएक्शन निकले बिकॉज़ अगर वो लोग बात करते तो अगर अच्छा होता तो भी जमुरी के लिए प्रॉब्लम बुरा होता तो भी उन लोगों को ही फुटेज मिलती तो जमुरी को ऐसा मतलब लग रहा था अंदर ही अंदर कि बस ये हफ्ते मुझे ही जाना है इसलिए इन दोनों को दूर रखो ताकि इनको फुटेज ना मिले और ये लोग चल इन दोनों में से कोई एक जन चला जाए मेरे ऐसे क्यों लगा दैट शी वाज ट्राइंग टू मेक देम फाइट बिकॉज वो जो किचन में बोलती है ना हाँ, कभी प्यार कभी झगड़ा कभी. कभी।, प्यार कभी झगड़ा तो उसी पे उसको वो चला रही थी कि तुम लोग बेवकूफ लग रहे हो बिकॉज यू नो सिद्धार्थ भी लाइक गार्डन बेड पे बैठ के उसको बोलता है कि यू नो दे आर फेक एंड द वे दे फाइट एंड दिस एंड दैट तो ही वाज फोकसिंग ऑन हाउ मच दे फाइट तो आई फेल्ट लाइक वहां पर उसको oh, लड़ाने yeah. Uh, कि तुम लोग अपने में ही खत्म हो जाओ बिकॉज यही चीज आगे जाके मोमो उसको आगे बढ़ाती है नेक्स्ट डे इस इसीलिए वो तवा ववा शुरू हो जाता है आई थिंक दे बोथ दे बोथ आई फेल्ट लाइक दैट अगर आगे का एपिसोड भी हम ऐड करें तो नहीं, uh, मैं तो आगे के इसमें नहीं सोचा बट यार हो सकता है वैसा नो no प्रॉब्लम वैसा हाँ देखते हैं देखते हैं क्या हुँ. लगता है बिकॉज़ जब वहां बोलती है कि रिएक्ट ही मत कर did did not want them to fight. Did not want want them them to to fight. get, get, get you know petty. Because झगड़ा हुआ तो बहुत अगली हो जाएगा गंदा होगा हाँ. और वो, वो genuinely तो react मत कर, because उसको पता है कि मासी इसका use कर रहा है शहनाज but, but, you know, में उतना दिमाग नहीं है और In fact, इतना पता है जब वो चप्पल के ऊपर लड़ाई भी हुई थी तब बाद में जब दोनों मासी ने और ने सॉर्ट आउट कर लिया तो रावण आके बोलता है कि आ, एक काम करो करो तुम लोग बात ही मत करो, अलग रहो तो तब हाँ। तब बोलती है अगर अलग रहा ना तो जीना हराम कर देगा ये इंसान इसका तो इसलिए हाँ। शहनाज पता था कि मासी क्या कर रहा है और हाँ। कितना गंदा होगा अगर ये फिर झगड़ेंगे तो हाँ एग्जैक्टली सो बट जब शहनाज बिकॉज उसका शुरुआत लाइक like जमुरी की शुरुआत होती है कि कुछ नहीं मिला ना देख उसको उसको बेमतलब का चिड़ा के गया कि अभी एम कुछ करे ऐसे बिकॉज जमुरी इज ऑलवेज वन ट्रैक माइंड उसको लड़ाइयां करवानी है उसका वही होता है मेन फोकस बिकॉज खुद का मुद्दा नहीं होता है दूसरों के इसमें जाकर आग लगवाओ और और तमाशा देखो और और साइडलाइन मतलब गो फ्लाई अंडर द रेडार Uh, था उसका ना तो ओके okay. देखते हैं आगे जाके क्या होता है तो फिर एम बोलती है सबको सब दिखाई दे रहा है मुन्ना ऐसे बोलती है तो मासी कुछ बोलता है बच्चा वच्चा एनी वे एंड लाइक मासी वॉज लूजिंग हिज शिट एंड उसको कंट्रोल नहीं था उसके वर्ड्स पे uh, तो वो बोलता है टॉक टू माई हैंड तो वहां से शहनाज निकल जाती है वो बैटरी बैटरी का करके तो शी सेज टॉक टू माय फुट और यहाँ कुछ वो इंग्लिश में जवाब देती है एंड एंड मासी इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट इन इंग्लिश और यहाँ पे हम देखते हैं मोमो और क्राइबेबी एक दूसरे को देख के हंसते हैं लाइक ऑलमोस्ट दे देर मॉकिंग मासी इट फेल्ट लाइक कि वो इंग्लिश में जवाब नहीं दे पा रहा है समथिंग ऐसे लगा मेरे को मैंने कहा ठीक है ठीक है इंग्लिश परितोष ने भी बनाई थी ना तो हाँ तो हंसी हाँ, आ रही थी कि हाँ जैसा हाँ, परितोष बोलता है कि वो हाँ। इन यूपी में है मतलब बिहारी में है और सब तो वो लोग वो चीज पर वहां हाँ पे हंसने लग गए थे उसका हाँ तो ओके आ, अभी एक एक डे एक एक पेज रह गया फिर उसके बाद एक पेज का मुझे कोई कोई भरोसा नहीं है एक पेज मतलब कितना वक्त लगेगा बट देखते हैं ओके यहाँ पे मेरे को लगा यार जमुरी को मैं मिलू ना कुछ <laughs> मेरे को हाँ, मेरे हाथ दो कोई वरना कुछ हो जाएगा <laughs> ये सवा बारह बजे का है ओके okay, सीन uh, और शहनाज झमुरी के हाथ दबा रही है व्हाट द फक मैन लाइक ये है क्या ये बंदी शी रियली वांटेड शहनाज टू बी हर डोर मैट कि शहनाज की अच्छा शहनाज टू नाइस ये दोनों ना देर टू काइंड वेरी वेरी काइंड पीपल वेरी काइंड पीपल इनका मुझे लगता है इनके अच्छाई का फायदा उठाया ये लोगों ने uh, बहुत गंदा फायदा उठाया यहाँ पर शहनाज उसके हाथ दबा रही है दो पिछले हफ्ते उसका सर दबा रही थी मैंने कहा खा खा के खा खा के इसका हाथ हाथ दर्द दे रहा है इसको अभी इतना खाती है इतना चाय पीती है पता नहीं हाथ के साथ क्या करती है बट उसका हाथ दर्द दे रहा है मैंने कहा तूने क्या काम किया ना ना वो बर्तन मांजती है ना वो बाथरूम धोती है ना वो झाड़ू मारती है बस आके उस, उसके बाल सवारने में उसके बाल वो करने में पाउट करने में सर इधर उधर करने में शायद उसका सर और हाथ दुखते हैं मैंने कहा करती गया है हाथ से और ये दबा रही थी एंड यहाँ पर देखना लाइक सिद्धार्थ वहां पे उसके उसके बाजू में

इसमें ना मेरा पेट दिखता है इसमें ना मेरे आर्म्स दिखते हैं अच्छा वाला दे अच्छा वाला दे आ, ऐसे करती है हाँ उसके नाइट ड्रेसेस पहनती है और आ, और आ, और आ, यू नो फिर गाली देती है फिर बैक स्टैप करती है फिर उसके ऊपर बिल फाड़ती है अः उसको माँ मतलब माँ बाप की गालियां देती है अः ये सब चीजें करके फिर एक्सपेक्ट करती है कि शहनाज उसके हाथ पैर दबाए हाँ ये साला ये है क्या मतलब कौन है का स्टारडम डिग्निटी खा खा के खा खा के तेरा हाथ दर्द दे रहा है इधर का खा इसका खा आ, मैं मैं मेरा भी खाऊंगी और मैं तेरा भी खाऊंगी अवार्ड विनर हाँ उसको एक चप्पल मिली है वो भी खाई होगी उसने और मतलब uh, <laughs> मतलब ये हाँ, what kind of a, मतलब जो बाहर आने um, के बाद भी जगह उसके इंटरव्यूज देखे शी not नॉट थैंकफुल टू सिद्धार्थ ऑल्सो जिसके वजह से रेंगते रेंगते फिनाले तक पहुंची

ओके सो राधिका उसने खुद एक अनसीन में बोला है कि आई डू नॉट ट्रस्ट माय मॉम आल्सो जब वो बोलती है ना कि मेरे बात सब तेरा ही है मैंने उनसे हाँ, उनके बोल दिया कि आप हाँ, हाँ। लिख के जाओ तो मैं मानू तो हाँ लिख के जाओ exactly, exactly. हाँ 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 उसने बोला है ये या yeah. Absolutely बोला है वो उस, उसके भाई का और उसका कुछ देहरादून या शिमला में कुछ लै कुछ आम के कुछ गार्डन है कुछ बाग है कुछ है उसका भी वो लाइक वो लाइक पेपर वर्क अभी करवा रही है मैं uh, like, मैं किसी पे लाइक भरोसा नहीं करती हूं सो so, mm, मैंने कहा बुला लो यार चैनल इतनी इतनी यू you नो know, है ना बुला लो उसको सिक्सटीन में बुला लो कर लो सो so, एनी anyway, चलो ओके okay, तो आ, चैनल बोलेगा तेरा हाँ, में जितना खिलाया बस हो गया इससे आगे हमारा बजट नहीं है खिलारे का तो एमटी यहाँ पे सो रही है और और मासी यू you नो know, मच्छर के बेड पे है ओके और अह फिर सिद्धार्थ वहां पे आ, देखो सिद्धार्थ ना वो जब यू नो किचन का जो सीन हुआ किचन में जो झमुरी आके शहनाज के ऊपर चिल्ला रही थी मेरे को बुरा लगता है जब तू अपनों का साथ छोड़कर लोगों का करती और वही लोग आके तुझे ये वो ये वो बोलते हैं राइट right? ये जब देन ही कम्स इन साइड एंड ही कॉल्स आउट हर गेम कि यू नो पपेट पपेट किसने बोला पपेट पपेट किसने बोला आ, वहां पे वो चुप हो जाती है उसके बाद इफ यू नोटिस सिद्धार्थ हैज नॉट लेफ्ट फॉर अ सिंगल सेकंड वो उसके साथ ही लगा हुआ था uh, काटा के साथ साथ भी भी उसके साथ था और uh, अभी भी वो हाथ दबाने गई है वहां पे वहाँ पे वैसे उसको एक तो पता है हमको कि सिद्धार्थ अ uh, का सोने का टाइम आता है तो वो सोता है जब लाइट्स बंद होती हैं तो वो सोता है बट यहाँ पर वो वहां पे खड़ा हुआ था बिकॉज उसको था ये कुछ कर, करवाएगी अगर कुछ कान नहीं भरेगी इससे कुछ लड़ाई करवाएगी uh, तो शी डिड नॉट वॉन्ट बिकॉज दैट इज वॉट शी डिड देर इन द किचन उसने उसने मासी और यू uh, नो you know, शहनाज के बीच में लड़ाई करवाई थी तो हाँ सो so, uh, तो इसीलिए वो उसको फॉलो कर रहा था पूरा टाइम उसने उसको अकेला छोड़ा ही नहीं है ओके okay, तो फिर ही uh, he says, फिर फिर सिद्धार्थ अभी मासी की बजा रहा है मुझे ये बहुत अच्छा लगा बिकॉज <laughs> देखो आप अपने घर में सब एकदम मस्त चल रहा है अपुन का सब <laughs> चल रहा है मस्त सही चल रहा है अपुन का तो अभी अपन जाके थोड़ा उंगल करके आते हैं तो आ गया इधर बाजू मासी को बजा, बजा के आते बजा के आते तो बोलता है मासी को कि अभी याद आ रही है तो अभी याद आ रही है तो बात कर लेना तो मासी बोलता है नहीं नहीं सोचा था पहले बात करने का करने के लिए तो इज लाइक like, सोचा था ना तो अच्छी बात है यू नो you know, करना चाहिए आ, है थोड़ी सटकेली है दिमाग से पैदल है गालियां यू you नो know, गालियां बकती है आ, उसके साथ रिलेशनशिप में रह फायदा नहीं है पर बात करना चाहिए और हंसता है <laughs> तो भी खुद ही अपने मुंह हाथ पे हाथ रख के हंसता हा, है, हाथ <laughs> के है। आ, फिर शहनाज ना वो धीरे से बोलती है एमटी को देखकर कि हंस रही है रही है करके फिर फिर मासी बोलती है कि नहीं मासी बोलता है सॉरी बोलता है कि यू uh, नो you know, सबसे बड़ लाइक like, सबसे बड़ा बात uh, नहीं सबसे बड़ी बात है कि कि मजाक समझ में नहीं आती है uh, लोगों को लगता है कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ तो ही सेज तू तू चाहता है कि ऐसा कुछ हो ज़िंदगी में आगे ही लाइक किसका ये ये तुम लोगों का ही हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई लाइक like, नहीं 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 बात करोगे तो तो हिसेज यू नो मुझे लगता है कि कि कर लोगे बात बातों का क्या बातें तो होती हैं प्रॉब्लम है यादों का यादें यादों का प्रॉब्लम है तो एंड दिस आल्सो हिट्स यू डिफरेंटली आफ्टर सितंबर सेकंड यादों का प्रॉब्लम है राइट right? अः uh, तो इज लाइक like, सारा झोल यादों का ही है ऐसे बोलता है मासी तो यू नो से लड़की वैसे सुलझी हुई है says, बहुत सिर्फ अपने आप हाँ में उलझी हुई है खुद <laughs> ही हंस रहा है खुद ही बोल रहा है खुद ही हंस रहा है <laughs> फिर इज लाइक like, नहीं नहीं वो लोगों के लोगों को लेके बहुत बहुत सुलझी हुई है तो यहाँ पे शहनाज उठ के चली जाती है, uh, uh, फिर, फिर है uh, तुम्हारे केस में तो थोड़ा वो है कि क्या मान लो कि कम बात करते हो तो यहाँ पे ही इंटरप्ट अपना तो केस ही नहीं है कोई <laughs> तो यहाँ पे एक वाइड एक एंगल होता है कैमरा का और uh,

तो ही अपना सिर्फ एक ही अपना uh, सिर्फ है नहीं होल्ड होल्ड ऑन ऑन अपना केस ही नहीं है भाई अपना सिर्फ एक ही है और कितना केयरफुली बोलता है वो यू you नो know, पंजाबी में कितना केयरफुली उसका उच्चारण बहुत इज लाइक वेरी केयरफुल ओसीडी है वो आई नो दैट इज लाइक और दस किन्नी तरीफा चाह दिया तेनू करेक्ट बोलता है कहीं ऊपर नीचे आ ऊ की मात्रा कुछ अलग नहीं करता है मैंने कहा अच्छा ये बहुत ध्यान से सुनता है शहनाज की बात है। <laughs> एक तो, गाना है ये वाला हाँ पता या या गाना तो ही है और बस हाँ, कि तरीफा या, या तरीफा वो है ना करीना का गाना है ना वो आ, वो वो जो न्यू ईयर पे प्ले हुआ था जो हमारी जो हमारी मसला मैडम फील कर उस, उसके अंदर की यू you नो know, करीना बाहर आ रही थी उस दिन नो नो इट इज नॉट फ्रॉम गुड न्यूज इट इज फ्रॉम मूवी सम सोनम हाँ वीरे दी वेडिंग हाँ सोनम कपूर प्रोडक्शन और दस किन्नी तरीफा आप तेनो अच्छा वो अच्छा बोलता है वो तो यहाँ पे हाँ ऐसे बोलती है बैकग्राउंड में अपना तो, तो मासी बोलता है आ, अपना तो बस और किन्नी गालियां चाह दिया <laughs> तेनो तो यही सेज you know, सेज यू नो सिद्धार्थ पर गाली देती है तो कुछ तो वजह होगी कुछ <laughs> 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 तो फिर वो कुछ uh, सिगरेट का कुछ एग्जाम्पल देता है उसको वट एवर यू नो फिर यहाँ पे यू you नो know, सिद्धार्थ दो तीन टॉन्ट मार के निकल जाता है उसको बोलता है कि यू uh, नो you know, चोरी पे और और मोमो को लाता है यू you नो know, चोरी अच्छा चोरी अच्छा तो अच्छा तो वो तो तू ही करता है चोरी तो छोड़ दे मोमो भी ठीक है तेरे साथ चोरी मोमो भी ठीक है तेरे साथ तो ही सेस चल ही लाइक चल गुड नाइट तो वो गलता है गुड नाइट यू नो नहीं तो नहीं तो बाजू में भी है अपनी भी है मैंने कहा वो ही अभी जूते खाएगा तो सो जा हाँ तो ठीक है ट्वेल्व थर्टी का सीन है बस इसके बाद हम कट कर दें ओके है uh, ना तो यहाँ पे दे और दिस बोथ आर स्लीपिंग इन लाइक द व्हाट दे कॉल लाइक द स्वीट हार्ट पोजिशन जो हमको अच्छा लगता है ठीक है uh, वो सो रहे हैं अपना uh, सोने की कोशिश कर रहे हैं मतलब दे आर लाइंग डाउन इन दैट आर आइकॉनिक वट तो मासी एमटी को उठाता है और बोलता है चल बात करनी है बाहर चल तो ये लोग बाहर जाते हैं और ज, और जब ये उठ उठता है उठाता है उठाता उसको एम को हमको एक एक वाइड एंगल दिखाते हैं और इज़ uh, शे, मतलब ही वेक्स अप यू नो सिद्धार्थ उठता है और बिकॉज शहनाज वॉज लाइंग ऑन हिम वो भी उठ जाती है उसके बिकॉज वो उसी के ऊपर लेटी हुई है तो दोनों ऐसे उठ जाते हैं एंड ही लिटरली गेट्स अप एंड सिट्स उसको देखना है इनका क्या हो रहा है आगे तो फिर फिर शहनाज इज लाइक स्टिल लीनिंग ऑन हर एल्बो एंड वाचिंग देम और दोनों हंसते हैं वहां पे इट्स इट्स अ स्लाइट गिगल उसको नींद आ रही थी शहनाज को हां उसको नींद आ रही थी और इसको था कि बस बाजू में क्या आग लग रही है देखते हैं तो मासी और एम की बातें शुरू होती मैं उनका ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं बस फोकस कर रही हूँ सिडनास को और और ये मासी लोगों का लाइक like, बैकग्राउंड में रख देते हैं ठीक है तो फिर सीन कट होता है <laughs> आपको दिखाते हैं बेडरूम का सीन ये दोनों का जो है ना दोनों साइडवेज देर लुकिंग एट द डोर आउटसाइड दोनों अपने एल्बोस पे हैं और कितना कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं क्यूट लग रहे हैं नोटी आइज हाँ कि और बहुत ध्यान से सुन रहे कि क्या बातें हो रही हैं बात जैसे कान लगा <laughs> के <laughs> जैसे करते हैं और उत, उतना ही दिखाते हैं कि दे आर जस्ट लुकिंग आउटसाइड ठीक है फिर सीन कट होता है यहाँ पे वो तेजी बेजीब की बातें कि सलमान सर ने क्या बोला बेटा टेटा वट तो तो यू नो मासी बोलता है कि मुझे ये कुछ भी तुम्हारा जो बात करने का तरीका है मुझे अच्छा नहीं लगता फलाना फलाना ओके okay? फिर फिर यहाँ पे फिर से अंदर दिखाते हैं ये ये दोनों के ऊपर और शहनाज एक साइड लुक देती है सिद्धार्थ की तरफ और दोनों ऐसे नॉट करके स्माइल करके निकलते हैं वहां से कि चलो बाहर चलते हैं मतलब यू कैन सी हाउ दे जस्ट विथ वन लुक ही न्यू दैट चलो बाहर जाके देखते हैं ना बात करने का बस एक लुक चाहिए होता है और एक दे बोथ स्माइल एंड दे आर बोथ वेरिंग लाइक चप्पल एंड बाहर जाने का दिखाते हैं, <laughs> अप, ये अपने उठाते हैं। हाँ एक्सैक्टली exactly. और फिर माइक उठाते हैं और बाहर ऐसे दिखाते हैं okay, कंटिन्यू चल, है, uh, चल रहा है और एक वाइड एंगल पे हम देखते हैं की सिद्धार्थ वो सिटिंग बाई दीवो बेंच ओके वो जो वीवो कॉर्नर का बेंच है वहां पर और शहनाज इज इन दैट ऑन दैट ऑन दैट पाथवे जो मेन एंट्रेंस से होता है वहां पे वो यू you नो know, खड़ी हुई है और देख रही है एंड शी हैज हर हैंड्स फोल्डिंग एंड वैसे खड़े खड़े होके देख रही है uh, वीवो पे रावण था रावण और और मसला थे उनकी बातें चल रही थी ये पूरा जब इनका आर्ग्यू शुरू होता है ना हम बैकग्राउंड में सुनते हैं पहले फर्स्ट हाँ। जब ये एमटी और मासी आते हैं uh, रावण और मसला की बातें हो रही है इनका होमवर्क चल रहा है अगले दिन क्या करना है ये लोग सब सोने के बाद बाहर आके बातें करते हैं जो हमने यू नो बिल्ली वाले टास्क में देखा इनके नोट्स कंपेयर होते हैं इनका जो पूरी प्लानिंग शानिंग होती है इस टाइम होती है बारह एक बजे इसीलिए अगले दिन इतना सोते हैं ये लोग नहीं तो इनको लग रहा था कि इनके ही वीवो काउच के मोमेंट्स दिखाए जा रहे <laughs> इसके लिए हाँ, वो भी हो सकता है वो भी भी हो सकता है हाँ, बना रहे थे <laughs> हाँ हाँ ये भी हो सकता है सही है सही है सो so, okay. रावण ने बाइबल लिखी हुई है तो फिर वो सोच रहा था कि ऐसे हाँ, तो हम दिखेंगे तो हाँ, मसला को तो बस उतना ही चाहिए दिखना ही है कैसे भी दिख लो हाँ दिख लो हाँ ओके okay, तो फिर ठीक है तो दी शीज Like standing on the walkway and फिर यहां और मासी का फिर ये फुट फाट क्या होता है फुट 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 ऐसे क्या उस पे उस पे बातें हो रही है तो एम टी बोलती है कि आपके घर वाले तो आपसे बात भी नहीं करते हैं रियली really. तो कैमरा शहनाज के ऊपर होता है वो एक ऐसे आईब्रो ऊपर करके देख रही है दोनों को कि देखो कितना एक दूसरे का मतलब जे, जो शहनाज ने इसके बारे में यू नो प्रशन की थी अ कि ये बहुत कांड करके जाएगी इसका बहुत यू uh, नो you know, जुलूस निकालेगी या कांड करके जाएगी वैसे था ये सो ओके एम टी बोल दिया आपके आपके घर वाले आपसे पूछते भी नहीं है और uh, कैमरा यहाँ यू you नो know, सिद्धार्थ की तरफ दिखाते हैं और यू you नो know, सिद्धार्थ देख रहा है शहनाज की तरफ एक इट्स लाइक हिट और मिस मोमेंट वेरी क्यूट Uh, and, and like, उसकी आंखों में वैसे आंखें थी उसकी से था यू नो you know, मस्ती वाले मूड में ठीक है और uh, फिर फिर सिद्धार्थ और शहनाज ना दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स द स्मोकिंग रूम ठीक है एंड सिद्धार्थ इज पेसिंग थोड़ा जोर से फास्ट और उसको चाहिए, था, अपनी टर्न चाहिए थी की। बाहर आए हैं तो, uh, he's like, uh, तो मासी बोलता है कि सबसे गड़ी, सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हें डेट किया ओके okay? इस टाइम सिद्धार्थ ड्रामेटिक <laughs> सुन रहा हूं और शहनाज एरिया के पास खड़ी और जोर से हंसती है जब वो बोलता है कि सबसे बड़ी गलती है तेरे को डेट करना <laughs> तो वहां तो पे ना वहां पे वहां पे ही डस सम सम यू नो जेस्टर्स कि ऐसे मार के उसको निकालो यहां से ऐसे कंप्लीटली हैविंग मस्ती खोर यू you नो know, सिद्धार्थ दिख रहा oh, था बोल रही हूँ वो नॉटीस्ट इन डेट सीन नॉटी 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 वेरी वेरी शरारती बच्चा वही uh, अंदर एक अंदर एक शरारती यू you नो know, बच्चा है वो बाहर आ रहा था तो ओके okay. और हम देखते हैं इसमें कि सिद्धार्थ के हाथ में एक स... एक पैकेट है मतलब वो आई थिंक उससे उठाया था उसने रावण से उठाया था यू नो सिगरेट का पैकेट समथिंग मे बी ही वाज आउट ऑफ उसके हाथ में था वो आई डोंट नो व्हाई आई नोटिस दैट सो ही इनसाइड द स्मोकिंग रूम और वहां यू नो बेंच पे बैठी हुई होती है यहाँ से हम ज्यादा देखते हैं कि शहनाज जब वो स्मोक करता है ना वो आस ही होती है आगे जाके वो बहुत सा बहुत बार दिखता है और शावर के टाइम पे वो वहां पे होती है वॉश एरिया में सो so, <coughs> ओके okay. uh, है ना छीत एग्जैक्टली बिकॉज यू नो कृष्ण भगवान इज ऑल्सो नोन टू बी नॉटी और uh, और आई थिंक आंटी ने भी कहा था फिनाले के दिन कि इसको जब ये uh, छोटा था इसको इसको यू नो कृष्ण का नैया बुलाते थे और और सारी यू you नो know, गोपियां उसके आगे पीछे मंडराती थी ऐसे ऐसे कुछ बोला था रीटा आंटी ने कि बहुत गुड लुकिंग है वट एवर ओके सॉरी सॉरी फॉर द टेंजेंट हाँ नटखट एग्जैक्टली दैट्स अ नाइस वर्ड आई लाइक दैट वर्ड नटखट कान्हा जी जैसे बोलते हैं हाँ सो ओके फिर यहाँ वो बैठी है फिर फिर मासी उसके पास फिर मासी इज गोइंग टूवर्ड्स द स्मोक रूम यहाँ पे थोड़ा सीन एडिटेड लगता है Uh, तो एम टी उसको रोंदू बुलाती है और वो अंदर जाती है uh, तो यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज खड़े हैं uh, गार्डन बेड के सामने की तरफ वहां पे यू नो खड़े हैं एंड uh, और शहनाज इज लीनिंग ऑन हिम इज टायर्ड उसको नींद आई हुई है और ये बंदा यहाँ पे अपना अपना यू you नो know, शरारतीपन दिखा रहा है एंड वो अंदर जा रही है और उसको चल 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 बोल रही है और ये हंस रहा है इधर uh, फिर शैनस बोलती है uh, उसको तो ही सेस यू नो सिद्धार्थ सेस एमटी को दैट्स इट शी सेस दैट्स इट आई एम डन इज लाइक अरे यार मजे लो तुम लोग ऐसे बोलती है एमटी तो ही सेस अरे थोड़ा उड़ गए यार हम लोग अभी तो uh, कुछ 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 कर ना अभी कुछ तो कुछ तो कर तो यहाँ पे शहनाज बोलती है चल चल एंड शी इज नॉट होगा तो <laughs> तो वो दोनों अंदर जाते हैं और मसला और रावण देखो मसला और रावण आर नॉट एंगेज इन दिस इन दिस यू नो शरारत दैट 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 सिद्धार्थ वाज डूइंग मुझे ये भी था

पंगे नहीं लेना चाहता था वो उसकी गेम आगे बढ़ा रहा था तो वो यहाँ पे टांग नहीं अड़ा था अगेन दिस इज ऑल माय थॉट आई कुड बी रॉन्ग और ये दोनों बाहर बैठ के जो बातें करते हैं मे बी यू नो सिद्धार्थ वॉन्टेड टू हाईलाइट दैट ऑल्सो वो जैसे रजाई वाली बात उसने हाईलाइट करी बिकॉज इनके लड़ाई में इतको, इन, इसको इतना इंटरेस्ट कि वो बाहर जाए नींद का छोड़कर आई फेल्ट इट वॉज टू बर्ड्स लाइक मासी का तो था ही बिकॉज तुम लोग साला ये क्या नौटंकी कर रहे हो uh, उनका एक असलियत दिखाना और बिकॉज यू नो सिद्धार्थेड टू अनकडीज रियल टेक एवरीबडीज मास्क ऑफ राइट जैसे उस, उसने काटा का भी किया uh, मतलब शुरुआत की जैसे उसने यू नो झमुरी का किया कि, कि ये लोग यू you नो know, बोलते हैं वीक है वीक है तो सब लोग अभी शहनाज पे क्यों अभी चढ़ रहे हैं एक होकर कि उसने उसने क्या क्या मासी को सपोर्ट किया तुम लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हो तो तो यहाँ पे यू नो झमुरी को वही बोला कि ते को तो डे वन से बोल रहे हैं सब लोग तू वीक है तू वीक है तू वीक है तू यू नो तू पपेट है तू पपेट है तो सबका मास्क धीरे 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 खोलने की कोशिश कर रहा कर रहा है बिकॉज ही इज हैड इनफ अः शहनाज का वो जो जेलेसी टास्क और चैनल वॉज कमिंग एट द रिलेशनशिप एट अ वेरी पर्सनल लेवल एंड उसको था कि अभी मैं दिखाता हूं ये लोग पीठ पीछे बैठ के क्या क्या कर रहे हैं बिकॉज पिछले वाले वीकेंड के वार पे भी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे बोल रहे हैं कि शहनाज तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है तुम इसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो और ये वो दीज आर इफ पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस बिहाइंड हिज बैक नाउ ही टू टेक मैटर्स इन हिज ओन हैंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट टू बिल्ड स्लोली 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 तो यहाँ पर वो रावण और मसला का जो सो कॉल यू नो गुटरगु चलता है बाहर बैठ के जो ये लोग अपने नोट्स शेयर करते हैं बिकॉज रावण ऑलमोस्ट फ्रोज़न इफ यू लुक एट एक्सप्रेशन अगर मैं अगर ओवर रीच कर रही हूँ यू नो कि, कि शायद यू you नो know, सिद्धार्थ को ये एक्सपोज करना था रावण और लाइक like, मसला का जो बातें ठीक है अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं बट रावण ऑल्सो डिंगेज विंगेज चोरी पकड़ी जाती है आप एकदम हो अ हो. Uh, और यू डोंट रियक्ट एट ऑल एंड ही वॉज जस्ट सिटिंग दर ऑन वी वो ना उसने हंसा ना कुछ बोला बिकॉज हमेशा रावण को कुछ ना कुछ बोलना होता है मसला को अः uh, टिप्पणियां करनी होती है अगर किसी को स्पेशली एम को लो दिखाना है तो वो फर्स्ट होती है यहाँ पर वो चुप चाप होते हैं सो इसीलिए आई फेल्ट दैट नॉट एंगेजिंग एट ऑल इज लाइक शिट मेरे मेरा भी पूरा प्लान फिर से और वहां से वो हटता नहीं है जब जब सिद्धार्थ और शहनाज अंदर जाते हैं ना वो दोनों बैठे हुए हैं और दोनों की शक्लें देखो दे आर स्टॉइक एकदम कोई एक्सप्रेशन नहीं है मतलब जैसे चोरी तो पकड़ी ओ, गई हो हाँ जैसे चोरी पकड़ी गई हो ऐसे जैसे, लगा को ये भी लगा उसका बाहर आने का टू शो बिकॉज उसको पता है कि अगर ये दोनों बाहर जाएंगे तो ये सीन जाएगा बाहर हाँ। तो उनको वो अब तक ये उनको समझ में आ गया था कि जहाँ इन दोनों का कॉन्वर्सेशन है वो सीन जरूर बाहर जाता है तो ये ये भी दिखाना था उन लोगों को ऑडियंस को कि जो म, मासी हमेशा बोलता है ना कि अरे हमारा तो कुछ है ही नहीं मेरी तरफ से तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है सब प्रॉब्लम एम की तरफ से है तो वो दिखाना चाहता था यहाँ पे कि कैसे मासी एम का यूज कर रहा है इस शो में और कैसे हाँ हाँ। उसको खराब दिखा रहा है एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ये जो उनका रिलेशन इतना टॉक ऑफ द टाउन बना पड़ा था तो उसको ये था कि मा, मासी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर बिहेवियर तो ये था उसका और एंड मुझे ऐसा लगता है रावण जो बाहर बैठता है वो उसको पहले से पता था कि रावण बाहर बैठता है रात रात को तो लेकिन रावण को उस रावण का कैसा था कि ये जब बाहर और ये क्लब के के बाद देखो वो बहुत ब्लैबर कर रहा था मतलब उसके पास कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं थी बोलने के लिए ऑडियंस को ही वॉज वेरी लो वो किसी में इतना इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा था बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी गेम यहाँ पे स्टक हो गई है मैंने मतलब बोलते हैं ना कि एक सेइंग है कि अगर हम तुमने उसको इतना ताना दिया कि अब वो मतलब इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए तो उसका वो हो गया था कि उसने इतना डरा दिया था कि अब शहनाज का वो डर खत्म हो गया था जलेसी वर्ड की तो उसके बाद जितने बार भी जलेसी वर्ड यूज किया है लोगो ने उसने कहीं पे भी रिएक्ट नहीं किया तो उसकी गेम स्टक हो गई थी तो ही ही लाइक टू फाइंड सिद्धार्थ से आई तो विल तो से <coughs> say, he, he was, वो पार्टिसिपेट भी नहीं किया जैसे सिद्धार्थ बोलता है ना कि हो गया क्या हम, हम आए थे वगैरह तो कुछ रिएक्ट नहीं करता और इसलिए भी रिएक्ट नहीं करता बिकॉज वो नहीं चाहता था कि आ, uh, मासी के मैटर में कुछ बोले मासी तो को लगा था हाँ. अगर उसको फुटेज मिल रही है तो मिलने दो ही विल गेट हाँ, उसकी गेम आगे बढ़ रही है एग्जैक्टली exactly. हुँ, हुँ. वो तो था वो तो डेफिनेट था बट आई फेल्ट अगर लाइक आई एक्सटेंड व्हाट यू सेड बिकॉज सिद्धार्थ को पता था बिकॉज यू नो बिल्ली वाला टास्क फिर लाइक uh, like बोरी वाले टास्क uh, जब ये कैप्टन बनी थी पिंक पिंक वाला ड्रेस वो hmm. था अः uh, वो बाहर आके वो बात भी करता है लाइक like मासी और सॉरी uh, रावण yeah. और मसला के साथ कि तू तु, yeah. तू तु, 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 तुम लोग ये सब मत करो अभी यू uh, नो you know, रोटी का मुद्दा मत बनाओ बिकॉज ही नोज ही नोजली न्यू बट उसको वो उसको पता है लाइक यू सेड कि ये फुटेज बाहर जाएगी और hmm. ये उसको दिखाना था कि ये लोग बाहर बातें करते हैं और uh, उसने बार बार दिखाया ये लाइक uh, बिल्ली like वाले टास्क के टाइम पे लाइक वो बास्केट वाले टास्क के टाइम पे फिर अभी uh, और और मासी का भी दिखाना था और रावण का भी दिखाना था और रावण का ये भी हमने देख लिया अभी जिनको समझ में उनको समझ में आया कि वो मासी के इसमें टांग नहीं अड़ाता है आई थिंक सिद्धार्थ इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाय वेरी इंटेलिजेंट लो इसीलिए जो जो बिग बॉस का जो आवाज है वो जो बंदा है उसके इंटरव्यू में था रिसेंटली कि सबसे इतने सीजन हो गए ही नेम थ्री पीपल आई डोंट नो हु द फर्स्ट वन वाज नॉट मनु मनु के साथ कौन था नहीं, नहीं, दूसरा वाला मानवीर मानवीर एंड ही टू नेम ऑफ राहुल महाजन पता नहीं हां एंड 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 शुक्ला जी ही इज लाइक सबसे इंटेलिजेंट बिकॉज़ शुक्ला जी क्यों शुक्ला जी के गेम चाय मेकर्स को भी पता नहीं चली इवन तहसीन के इंटरव्यू में बोला ना कि व्हेन ही एंड सिद्धार्थ यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल तो उनको टोका जाता था कि यहाँ पे ये सारी बातें मत करो जब उन्होंने कुछ कॉन्वर्जेशन न्यूज चैनल के बारे में एंड पॉलिटिक्स के बारे में भी बातें की है तो वन वीक वंडर के साथ तो ही सेट कि हमको टोका जाता था कि डू नॉट टॉक ऑल दिस थिंग तो हाँ। सबको पता है उसकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही वाज नॉलेजेबल उसको बहुत yeah. चीजों की नॉलेज थी

चाहे तो मैं वो वो जैसे बोलता है ना उसको शैनास को कि तू जा अंदर जब इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है ना तो बोलता है कि तो गो गो करके और हाँ। शैनास भी वहीं खड़ी रहती है ना वो एक सीन बहुत ब्यूटीफुल है हाँ 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 बहुत बहुत इनका जो कैसे पकड़ के खड़ी है वो ओ माय गॉड सो आई थिंक उसने वो है ना जब बाहर आता है ना तो जाता है रावण के पास पैकेट लेने के लिए और फिर वो हाँ, मोकरूम की तरफ आता है exactly, बिकॉज हाँ, वो मिरर में दिख रहा है जो रावण की साइड जाता है वो हाँ हाँ वो स्टॉक लेता है इसीलिए ही इज ऑन दैट बेंच फॉर सम टाइम अच्छा रुचि टेक सम अनसीन टेक सम मोमेंट्स फ्रॉम फ्रॉम चनप्रीत आल्सो बिकॉज चनप्रीत ने काउंट किया है वो वाला तू मेरी फैमिली है और आप लगा लो अपना हिसाब से लगा लो बिकॉज <laughs> रुचि का हिसाब रुचि का हिसाब है <laughs> uh, तो ओके okay. अभी हम नेक्स्ट वाला एपिसोड पार्ट uh, एपिसोड का पार्ट है जो 8 एम यू नो you टुनुक know, टुनुक दलेर मेहंदी का गाना से स्टार्ट होता है वहां से शुरू करते हैं एक चीज है आप लोग देखना वो आ, uh, एक चीज है कि uh, Uh, जिस तरह से <coughs> सिद्धार्थ एज की बात करता है uh, मैं तेरे से बहुत बहुत बड़ा हूँ और नेक्स्ट डे जो शहनाज कर रही है uh, और उस जैसे हम बोलते हैं सिद्धार्थ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स शुक्ला हम शहनाज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स गिल देखते हैं uh, आप लोग देखना इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वो किस तरह से प्यार लुटा रही है सिद्धार्थ पे पूरा दिन पूरा दिन उसके साथ बैठी हुई है उसको छोड़ ही नहीं रही है ओके बिकॉज़ शी टू टेल हिम आई गिव अबाउट दैट एज आई डोंट केयर फॉर द एज गेट दैट आउट ऑफ योर सिस्टम मैं दिस इज हु आई एम दिस इज मी एंड ऑल ऑफ इट आई एम विथ यू आई I'm एम इन दिस एंड देर इज नो गोइंग बैक सो वो doubt अपने पास रख या फेंक दे uh, because मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसको because see, जब वो खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे वो खा रहा है और वो देखना ये चीजें ना बोली नहीं जाती है ये फील की जाती हैं वो खाना खा रहा है नाश्ता कर रहा है वो वहां पे बैठी हुई है जब भी वो खाना खाता है वो बैठती है उसके साथ पहले पढ़ाव में इन दैट सेकंड वीकेंड का वार हाँ जब जब यू नो कोइना और ये लोग जाते हैं वो कैप्टन रूम के वहां पे वो काउच लगा हुआ होता है वहां पे उसके उसके आम के ऊपर हाथ रखे ये खाना खा रहा है और वहां पे बैठी हुई है विथ हिम दे शी इज ऑलवेज सैट विथ हिम व्हाइल ही वाज ईटिंग बिकॉज उसको उसने एक इंटरव्यू में भी बोला कि वो जब खाती है उसको लोगों की खाने की आवाज से अच्छा नहीं लगता है तो यूजली वो अकेले खाती है दैट्स अ एंड दैट्स माय प्रॉब्लम आल्सो आई कैन नॉट हियर ईटिंग साउंड्स सो तो वो शी शी सिट्स विद हिम इफ यू नोटिस मेनी टाइम्स जितना भी हमको बिकॉज ये ये यू you नो know, कमीने लोग uh, दिखाते नहीं है चैनल वाले बट जब भी दिखाया है वो नोटिस करना वो जब खाना खाता है वो होती है उसके पास बिकॉज वो होता है ना कि खाना खाते समय किसी की नजर ना लगे ऐसे तो अपने बैठते हैं जैसे मम्मी बैठती है मम्मी मेक श्योर sure कि आ, कोई कोई बुरी नजर ना हो ऐसे वो वाला थोड़ा ऐसे यू नो सुपरस्टिशियस कह लो या जो भी कह लो बट वो हमेशा आ, उसके पास दिखती है जब वो खाना खाता है रात में भी आ, वो कॉमेडी टास्क में, के बाद भी वो बैठती है वो खाना खा रहा है और वो हमेशा उसको उसके लिए आई फील ही दही होता है सब्जी होती है कुछ तो होता है और वो यहाँ से यू नो घर से रोटी लाती है जो जो घर में बनता है और और यू नो सिद्धार्थ के प्लेट से कुछ उठाती है जो भी जो भी लेफ्ट ओवर हो तो वो हमेशा छोड़ता भी था उसके लिए आई फेल जो हमें दिखाया नहीं गया बट जितना दिखाया uh, हाँ, so, वो उसके, जो ट्रे हाँ उसके थाली में से, से वो खाती है, है, के, हाँ, बचा, बचा के के बचा रखता था हाँ, और वो खाती थी उसमें से वो खाती है सो आर स्मॉल थिंग्स अगर हम मैं मैं कह रही हूँ ना इस ये पूरा डिकोडिंग के बाद मैं फिर से देखने वाली हूँ यू नो बिग बॉस बिकॉज आई वॉन्ट टू रीलिव दिस आई एम श्योर आई फाइंड समथिंग मोर देन आई नॉट सीन नाउ बिकॉज दिस इज लाइक एन इटर्नल थिंग जैसे पढ़ो 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 और दिखो देखो 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 और कुछ दिखते हैं चीजें सो बट एनी वे आई वॉन्टेड टू पॉइंट दैट आउट ये पहले भी हमने बात की है इसके बारे में अम्म बिकॉज मीडिया राउंड के बाद भी uh, जब वो बैठती है Uh, उसके साथ बैठ के वो खा रही है और ये लोग अंदर चुगली गैंग बैठ के मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये दोनों अपना मैप खो गए हैं ये लोग खो गए हैं अच्छा तुम लोग चुगलियां करो साला जिंदगी भर अभी भी वही कर अभी भी वही कर रहे हो तुम लोग यू नो ट्विटर पे <coughs> कोई नहीं स्क्रू देम बट मोमेंट बाहर वो खा रहा है वो नहा के आया है उसको पता है, वो नहा के आके खाता है और फिर सो सोने जाता है वो भी अपना पैन उसके शी इज लीनिंग इन शी इज लाइक ओके हाउ वाज योर डे यू नो डिड यू हैव अ गुड डे ऐसे होता mm -hmm. ना लाइक यू नो व्हेन योर गाय कम्स होम और यू नो यू जस्ट वांट टू कैच अप ऑन योर डे ऐसे था वो कि कैसे लगा ऐसे लगा सो द दीज आर वेरी बट दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड दे हैड इनसाइड द हाउस तो लाइक स्नेहा वाज सेइंग कोविड हुआ लॉकडाउन हुआ सब कुछ हुआ तो सोचो दे जस्ट कैरीड इट फॉरवर्ड हमने देखा नहीं विच इज फाइन बट इतना देखा आई लाइक like इतना भी देखा हमने मोर देन इनफ और ये था कि दे शोड एवरी थिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप हम हमको देखने मिल गया दे मतलब मैं चैनल का नहीं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स अस कि इनका डे इन द लाइफ ऑफ यू नो कैसे होता होता है है ऐसे और हम हमको वो देखने मिला ताकि देर इज नथिंग लेफ्ट फॉर स्पेक्यूलेशन इन दैट सेंस की दिस इज द डेप्थ ऑफ देयर बॉन्ड एंड मोर एंड मोर हु नोज इनके जो वर्ड्स इन्होंने एक दूसरे के लिए यूज किए हैं एक दूसरे के लिए बोले हैं इट्स एब्सोल्युटली डिवाइन

मुझे बहुत, लगता है, आ, बहुत बहुत आ, वो जैसे रेडी हो गई है अभी वीकेंड का वार शुरू होने वाला है उसके झुमके उसका कुर्त वो येलो ग्रीन ड्रेस एब्सुलटली लुकिंग लाइक अनफ्लावर वहां रेडी हो गई है लोग अपने अपने गेम में ये वो बातें कर रहे हैं क्या होगा वीकेंड के बार पे कौन जा रहा है उसको था कि एलिमिनेशन का डर था उसको तो शी वाज लाइक आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम विद हिम बिफोर आई लीव एंड शी वाज जस्ट होल्डिंग ऑन दैट उसका जैसे आम उसके आम के ऊपर हाथ रखती है शी इज जस्ट होल्डिंग ऑन लिटिल बिट मोर ऐसे लगता है और वो खाना खा रहा है अपना और वो वहां पे बैठी हुई है दैट वॉज एब्सुलटली वर्ड्स कंपन कम पड़ जाते हैं इनके बारे में बातें करो अभी मैं चुप करती हूँ चलो बहुत चलो। एक्स्ट्रा हो गया सॉरी ग्यारह यू चलो बाय 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 बाय